जब हम लोग मुसलमान औरत के बारे में सोचते हैं तो मीडिया या पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत अलग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं जो बहुत होमोजेनस होता है, जो बहुत एक जैसा होता है, जैसे हम लोग कोई पत्थर में बने हुए चीज हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हैं, अलग रीजन से आए हैं, अलग विचारधाराएं हैं, अलग थॉट प्रोसेस है। सो द वेरी आइडिया इज कि हम एक दूसरे के साथ इंगेज करें एक ऐसे स्पेस में जो बहुत सेफ है, जहाँ पे हम लोग खुलकर बेझिझक अपनी बातें कर सकें, अपनी बातें रख सकें, दूसरे को इन्फ्लुएंस हो सकें, दूसरे से इन्फ्लुएंस हो सकें और अपने आप को पुश करें बेहतर होने के लिए। इसी रीजन से हमारा लैंग्वेज जो है वो बोलचाल वाला लैंग्वेज रखा गया है, नॉट स्ट्रिक्टली एकेडमिक, और हमारा पैराडाइम लेंस जो है वो कोई एक लेंस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि वी आर मुस्लिम्स और हमारी आइडेंटिटी में ये है कि हम तौहीद पे यकीन करते हैं। और तो हम लोग जब इश्यूज देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस्लाम क्या कहता है, दीन का क्या पर्सपेक्टिव है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स द आइडिया ऑफ अ स्पेस, अपने आप को बेहतर बनाना, पुश आवरसेल्व्स एंड अदर्स टू बी द बेस्ट ऑफ व्हाट वी कैन बी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कास्ट, मतलब कास्ट पास्ट, या उर्दू में जैसे कहते हैं जात। उस पर हम लोगों ने इन्वाइट किया है हफ्सा को। हफ्सा इज अ कश्मीरी मुस्लिम और उन्होंने एमफिल किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से, उनकी थीसिस भी इस पे थी और अभी भी फिलहाल वो इसी पे काम कर रही हैं। तो हम एक बहुत छोटा सा कंटेक्स्ट सेट करते हैं और उसके बाद वी विल इनवाइट हर कि वो अपने रोशनी डाले सब्जेक्ट में। जब भी हम लोग और ये बिल्कुल एक क्या बोलते हैं इनफॉर्मल सा डिस्कशन है, आपको अगर कुछ बोलना है आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलें ज़रूर, और कि बस सिंपल तरह से कैसे इंगेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो जार्गन से भरा हो। तो जब हम लोग कास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये पर्सपेक्टिव सबसे पहले आता है कि अरे भाई हम लोग सब तो आदम के औलाद हैं, कुरान में इतनी आयतें हैं, हमारा अब्राहमिक ट्रेडिशन है विच इज़ बेस्ड ऑन ब्रदरहुड सिस्टरहुड। जब हम पोएट्स को देखते हैं तो अल्लामा इकबाल कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे घरों में क्या हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बर्तन अलग रखे जाते हैं, जब शादी होती है तो शिजर नस्ल देखा जाता है, और ग्रुप मेंबर्स को ये कहा गया था इंडिया अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री देखने, उसमें भी ये देखा जाता है कि मस्जिदें कहीं कहीं अलग हैं, कहीं कहीं कब्रें अलग हैं, और बहुत सारी रीसेंट स्कॉलरशिप इस पर हुई है। और वो बात करते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के फिक में ही एक तरह का वैलिडेशन मिल गया है। तो ये क्या चीज़ है ज़ात, क्या चीज़ है, क्या इसका कोई सर्वे है, कितनी मौजूद है हम में, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कि हमारे घरों में क्या हो रहा है उस पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। और साथ ही में हफ्सा विल ऑल्सो गिव अ केस स्टडी एक ऐसी जगह का, कश्मीर का, जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पे कास्ट कैसे ऑपरेट करता है। तो हफ्सा प्लीज स्टार्ट। हम लोगों का मौजू यहाँ ये है कि जो भी जात पात का सिस्टम है, जात पात का हिसाब किताब है मुसलमानों में इन जनरल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और क्यों जरूरी है इस बारे में बात करना। तो जैसे सानिया ने बोला कि हमारा जो ऑडियंस है वो अलग अलग लेवल के हैं, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स भी है, कुछ ग्रेजुएट्स है, कुछ प्रोफेशनल्स है। तो हम दोनों की कोशिश ये रही कि हम लोग बहुत ही सादा तरीके से इसको प्रेजेंट करें, कोई जागन्स नहीं, जितना हो सके एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल का हम सब के लिए, और फिर हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने ख्याल शेयर करें, अपने कमेंट्स शेयर करें टुवर्ड्स द एंड आखिर में। तो मैं शुरू करना चाहूँगी इस चीज़ से कि हमारे एक्सपीरियंस में जब भी हम कास्ट या जात पात की बात करते हैं इस्लाम में, और आप मुसलमानों से पूछे या गैर मुसलमानों से पूछे कि क्या मुसलमानों में जात है या जात है, तो आम तौर पे आप सुनेंगे नहीं नहीं है, इस्लाम में जात नहीं है। सवाल भले ही ये हो कि क्या मुसलमानों में जात है, लेकिन आंसर विल ऑलवेज बी कि नहीं तो इस्लाम में जात नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस्लाम में जात नहीं है, इस्लाम में हायरार्की कहीं नहीं है। इन टेक्सचुअल एविडेंस, उसको हम टेक्सचुअल एविडेंस कह सकते हैं कि किताबी तौर पर जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, तो उस हिसाब से इस्लाम में हायरार्की का, मतलब नस्ल का, जात पात का क्या सनारियो है। जो एक आयत अक्सर इस्तेमाल की जाती है वो है
जो सूरह 49 है, सूरह 49, उसमें जो 13th वर्स है, 13वीं वर्स, वो अक्सर उसका हवाला दिया जाता है. और वो वर्स ये है कि मैंने तुम्हें आदमी और औरत से पैदा किया, तुम्हें अरब्स बनाए, नॉन अरब्स बनाए, कबीले बनाए, अलग अलग मुल्क बनाए, अलग कल्चर्स बनाए इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचानो. हाँ, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये ज्यादा सुपीरियर है, दैट कोई अरब इज सुपीरियर ओवर नॉन अरब. अगर इस्लाम ने जन्म लिया तो वो अरब में लिया ना, बट कहीं कुरान में या हदीस में लिखा नहीं है दैट एन अरब है जो है वो सुपीरियर है ओवर नॉन अरब. एंड तो जो ये वर्स है, इट कंक्लूड्स कि बेशक अल्लाह के सामने वही अच्छा है जिसका ईमान बेहतर हो. ये नहीं मैटर करता है आप अफ्रीका से हैं, हिंदुस्तान से है, पाकिस्तान से, कहाँ से है, आप सैयद हैं नहीं है, ये सब नहीं है ना. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनता है, ये बहुत अहम हवाला बनता है जब हम समझते हैं कास्ट को इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, फिर सवाल उठता है कि तो फिर मुसलमानों में, खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, कश्मीर, एवरीवेयर, इतना जात पात कैसे है, मुस्लिम से प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? तो हमें यहाँ हिंदुइज्म के कास्ट सिस्टम के बारे में बात करने, इन डिटेल या एलैबोरेटली हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन ये जरूर ये हमारे लिए वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस वहां से भी ड्रॉ करना, वहां से भी हवाला लेके ये समझना. क्योंकि जैसे हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम है, जो जात पात का सिस्टम है, वो रिलीजियसली सैंक्शनड है, मतलब वो धर्म में ही है. तो जो ब्राह्मण होते हैं वो सर से पैदा होते हैं जैसा कि लिखा गया है, और उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं, फिर अतिशूद्र भी है, ये सब. तो मेजर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो रहता है इस्लाम और हिंदुइज्म में एज इन रेफरेंस टू कास्ट, जात पात के सिस्टम में, वो ये है कि हिंदुइज्म सैंक्शन करता है कास्ट को रिलीजियसली, और इस्लाम नहीं करता है. इस्लाम में कहीं नहीं है जात पात, हेरिडिटरी, रेस, नथिंग. ठीक है, तो फिर सवाल पैदा होता है कहाँ से, कौन है ये, मतलब क्या है ये कास्ट सिस्टम मुसलमानों में, जात पात को कैसे समझा जा सकता है मुसलमानों में. तो मैं यहाँ एक ऑथर को कोट करना चाहूंगी, उनने एक पेपर लिखा है उस पर, उनका नाम हुमा हसन है, एंड वो लिखती है सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव्स ऑन कास्ट अमंग मुस्लिम्स में, कि जो मुसलमानों का कास्ट सिस्टम है ना, वो कहाँ से आया, उसका नतीजा क्या था. उसका नतीजा ऑफकोर्स एक सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस था, कि आप हिंदू कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है, हिंदू रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है, उसके साथ आप टच में, उसका असर तो होगा आपके रिलीजन पे. क्योंकि देखिए, एक मुसलमान रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं होती है ना एब्सोल्युटली. एक बंगाली मुसलमान, एक कल्चर, एक कश्मीरी मुसलमान, एक केरला का मुसलमान, हमारी अपनी कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी है जो हमें अलग करती है एक दूसरे से, इन लाइक नॉट नेसेसरीली क्रॉस कटिंग तरीके से, नॉट नेसेसरीली हमेशा ऐसे के डिफरेंसेस हो, बट कल्चरल डिफरेंसेस होती है. तो एक मुसलमान जो साउथ एशिया में रहता है और हिंदुइज्म के साथ कॉन्टैक्ट रहा है उसका ओवर द ईयर्स, ओवर सेंचुरीज, तो उसका असर हुआ है इस्लाम, मुस्लिम्स पे जो सब कॉन्टिनेंट में है, और वो असर सबसे ज्यादा एविडेंट रहा है थ्रू कास्ट सिस्टम, थ्रू जात पात. ठीक है, ये एक इनिशिएटिंग आर्ग्यूमेंट है, मतलब शुरुआत जिससे हम करते हैं कि एक सोशो कल्चरल इम्पैक्ट जो रहता है रिलीजन पे, क्योंकि एक रिलीजियस आइडेंटिटी एब्सोल्यूट नहीं होती ना, उसका कल्चरल, सोशो कल्चरल हजार चीजें हैं आसपास जो उस पर असर करती है. तो ये है एक. दूसरा ये है कि फिर जब हम अगर हमें मतलब एनालिटिकली कभी प्रूव करना हुआ कि भाई कैसे इस्लाम में ये मुसलमानों में जात पात है, हम कैसे बोल सकते हैं जात पात है, तो हिंदुइज्म में कास्ट पे बहुत स्टडी हुआ है, मुसलमानों में भी हो रहा है, कास्ट अमंग मुस्लिम्स अब जाके स्टडी हो रहा है, पहले भी हुआ है, अब स्कॉलरशिप उस पर ज्यादा तवज्जो दे रही है. तो जब हमारा एनालिसिस शुरू होता है तो ऑब्वियसली जिस पे बहुत काम हुआ है ना, हम उसके साथ कंपेयर करेंगे, और जिसका इन्फ्लुएंस रहा है बहुत ज्यादा, हम उसके साथ कंपेयर करेंगे. तो हमारे लिए सबसे पहला हवाला क्या रहता है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहता है हिंदू कास्ट सिस्टम. तो उसमें से जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं ना, खसूसियात जो है हिंदू कास्ट सिस्टम की, वो हम उठाते हैं, समझते हैं, और फिर देखते हैं. हमें इम्पोज नहीं करना है नेसेसरली, क्योंकि ऑब्वियसली हम मुसलमानों में अपने भी कुछ अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग हिसाब है जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं. तो हिंदुओं में हम ये देखते हैं इन जनरल कास्ट सिस्टम का क्या सिस्टम, मतलब क्या तरीका रहता है, क्या खसूसियात है. तो फीचर्स वो ये है कि हायरार्किकल रूल्स होते हैं, जो दर्जे के हिसाब से, जो हमारा दर्जा है ना सोसाइटी में, उसके हिसाब से हमारा
पाकीजगी, हमारा पाक होना नापाक होना, यू नो प्योर इम्प्योर होना डिसाइड होता है. जैसे ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड प्योर, ठीक है. उसके बाद जो ये शूद्रा होते हैं या जिनको हम दलित कहते हैं या एक्स अनटचेबल्स कहते हैं, अछूत जिनको कहा जाता था, वो प्योर नहीं माने जाते, वो इम्प्योर माने जाते हैं, नापाक. और उनकी ये नापाक की कहाँ से आती है? उनकी आइडेंटिटी से, उनकी सोशल पोजीशन से, उनकी कास्ट आइडेंटिटी से, उनकी कल्चरल पोजीशन से. और हम सब ने, मतलब आप लोगों ने इंडिया अनटच देखी होगी, उसके अलावा भी जो भी हमने कास्ट को थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हम जानते हैं कि क्या हिसाब रहा है अछूत का. हिंदुस्तान में अलग मोहल्ले होते थे इनके, they weren't allowed to walk on the roads. इनकी परछाई से भी दूर रहा जाता था. कितना violent form रहा है untouchability का. तो ये जो system of ritual purity and pollution है ना, ये पाकीज़गी determine करना हमारी identity की वजह से, ये एक बहुत बहुत बड़ा feature है जात-पात का. क्या इस्लाम इसको sanction करता है? क्या इस्लाम पाकीज़गी के बारे में बात करता है जात-पात पे? नहीं करता. तो ये जो हम मुसलमानों में अब आ गया है कि जब हम किसी एक ऐसे मुसलमान को देखते हैं जो कुछ निचले दर्जे का काम करता है, सो कॉल्ड निचले दर्जे का, रादर जैसे लैट्रिन साफ करता है या नालियां साफ करता है, तो क्या हम उसको पाक मानते हैं? क्या हम उस जॉब को, क्या हम उस काम को पाक मानते हैं? अगर हम बेरोजगार हैं, क्या हम जाके झाड़ू मारना चाहेंगे? तो ये एक बहुत अहम सवाल है जो हमें खुद से पूछना है. दूसरा ये है, जो खानदानी तौर पे हमारे को काम मिलता है, मतलब मेरे बाप दादा क्या करते थे, क्या मुझे भी वो करना है? क्या मैं वो कर रही हूँ? क्या दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि मुझे भी वो करना है? तो जो खानदानी या हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन होता है, तो जैसे जो लोग झाड़ू मारते हैं या जो लोग बाथरूम साफ करते हैं, जिनके बाप दादा ये कर रहे थे, या जो लोग डेड एनिमल्स को कैरी करते थे, क्यों उनके बच्चों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है? ऐसा क्यों है कि ये सब काम जो है ना, कि एक ही वर्ग के लिए रखे गए? तो ये जो खानदानी काम, ये हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन जिसको कहते हैं, ये क्यों सीमित है, क्यों कन्फाइंड रहता है एक पर्टिकुलर जात में, एक पर्टिकुलर जात में? ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब हम जात या जात पात समझते हैं. और फिर तीसरा जो बहुत एविडेंट है, जो हम डिनाई भी करेंगे लेकिन एविडेंट है एंडोगमी. और एंडोगमी क्या होता है? एंडोगमी होता है हम आपस में शादियां करते हैं, हम आपस में जात में शादियां करते हैं. एक सईद कहेगा मुझे सईद से करनी है, खान कहेगा मैं खान से करूंगा, कोई कभी किसी लो कास्ट, सो कॉल्ड लो कास्ट, निचले वर्ग के मुसलमान को नहीं करेगा कंसिडर. या हिंदुओं में ब्राह्मण्स नहीं करते हैं ना दलित से शादियां. ऑफकोर्स इंटरकास्ट मैरिजेस आर एन एक्सेप्शन, मैं एक जेनेरिक रियलिटी जो है इनएविटेबल रियलिटी हमारे सामने उसके बारे में बात करते हैं. तो ये तीन चार फीचर्स हैं इन जनरल जात पात के. और क्या ये सब मुसलमानों में है? हाँ है, सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स में. क्या हम भी फीचर्स देखते हैं जात पात के? हाँ हम देखते हैं. तो क्या जात पात है मुसलमानों में? हाँ बिल्कुल है. क्या जात पात इस्लाम में है? नहीं, इस्लाम में नहीं है. लेकिन क्या मुसलमानों में है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में? हाँ है, ये सब है. तो इसका थोड़ा सा मैं पस मंजर देना चाहूंगी. आई लाइक टू गिव अ बैकग्राउंड एंड दैट इज कि क्या है मुसलमानों में जब हम जात पात समझते हैं. हिंदूज में तो हम तो हाँ हिंदूज में तो हम समझते हैं कि जैसे कि ब्राह्मण्स अपर कास्ट होते हैं, ये सबको पता है. क्षत्रियाज उसके बाद आते हैं, जो सबसे लोएस्ट कास्ट होते हैं उनको दलित्स कहते हैं. तो मुसलमानों में कास्ट सिस्टम क्या है? तो इसका मैं हल्का सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी. सबसे पहले ये कि मुस्लिम्स में रफली जो स्कॉलर्स है जिन्हें काम किया है, उनने तीन कैटेगरीज में मुस्लिम्स को डिवाइड किया है, अशरफ, अजलफ और अर्जल. अशरफ मुसलमान हुए हमारे अपर कास्ट मुसलमान, सैयद, खान, पठान, इन केस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आमतौर पर यही जो है ना, सैयद मुसलमान, खान पठान जो रहते हैं वो हुए हमारे अशरफ मुसलमान. फिर अजलाफ मुसलमान हुए जो हमारी बाकी ऑक्यूपेशनल मुस्लिम्स है, वो तिजारत कर सकते हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, छोटे मोटे दुकानदार, ये सब. फिर हुए अर्जल मुसलमान जिनको हम दलित मुसलमान कह सकते हैं. नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली, दे नॉट रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशनली, उनको संविधान नहीं देता है एससी या दलित स्टेटस, लेकिन अगर हमें उनको
ऐसे थियोरेटिकली बोलना हो जो अब बोला जाता है, तो वो दलित मुसलमान कहलाता है। और वो कौन है, कौन है दलित मुसलमान? जो हिंदू अछूत लोग थे जिन्हें रियलाइज किया कि उनको हिंदू धर्म से नहीं मिल सकता है इज्जत या डिग्निटी, एक सोशल आइडेंटिटी की या कल्चरल आइडेंटिटी की, तो उनको लगा इस्लाम में तो नहीं है देखो जात पात, तो मे बी अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सोशल स्टेटस जो है, हमारी सोशल पोजिशन में कुछ चेंज हो जाएगी। सो व्हाट दे डू कि वो कन्वर्ट हो गए। तो ये जो अछूत हिंदू थे जो कन्वर्ट हुए टू इस्लाम, इनका धर्म जरूर बदला, इन्हें अपना धर्म परिवर्तन तो किया लेकिन इनका सोशल स्टेटस नहीं चेंज हुआ। जो इनके जॉब्स थे ना, जैसे अगर ये गटर साफ कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, ये उसी में सीमित रह गए। इनको मुसलमान जो थे अपर कास्ट, उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया जैसे इन्हें एक्सपेक्ट किया था कि इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये हमारे अर्जल मुसलमान है जिनको हम दलित मुसलमान कहते हैं। और अशरफ मुसलमान आमतौर पर कौन थे? सबसे पहले तो इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ है अरब से। तो जो मुगल टाइम में या बाकी टाइमों में तिजारत के लिए या दीन फैलाने के काम से मुसलमान आए हिंदुस्तान, जिसमें हमारे सैयद थे, कुछ खान थे सेंट्रल एशिया से, तुर्किस्तान से, ईरान, अफगान, जहाँ से भी वो आए, तो उनको लगा हम आला नस्ल के हैं जब हिंदुस्तान आए, क्योंकि हम या तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फैमिली के हैं, उनकी नस्ल के हैं, या सहाबियों के नस्ल के हैं, या उनके जो दोस्त रहे हैं उनकी नस्ल के हैं। तो वो खुद को आला समझने लगे हिंदुस्तान आके। फिर ये हुआ कि उनने शादियां वादियां भी कर ली यहाँ, धीरे धीरे यहाँ भी कन्वर्जन्स हुए। तो जो कुछ राजपूत या कुछ लैंडलॉर्ड्स या कुछ जमींदारों ने भी कन्वर्जन किया, वो भी अपर कास्ट कहलाने लगे। फिर ये है कि क्या कास्ट अभी आज 1947 के बाद पैदा हुआ? नहीं, मुसलमानों में ये कास्ट डिस्टिंक्शन हमेशा था। कुछ कॉलोनियल राइटर्स थे, गैब्रियो डुमो, वो भी जब लिखते हैं ना मुसलमानों में कास्ट के बारे में, तो दे राइट दैट हमेशा से था। तो उस टाइम ये था कि ये डुमो ने लिखा है कि खादियुल इस्लाम और जादिदुल इस्लाम, ये थे दो डिस्टिंक्शन। खादियुल इस्लाम होते थे जो ओल्ड कन्वर्ट होते थे, यानी जो इस्लाम लेके आए अरब से, और जादिदुल इस्लाम होते थे जो नए नए हुए कन्वर्ट टू इस्लाम। सो देयर वाज अ डिस्टिंक्शन, हायरार्की तब भी थी। फिर ऑफकोर्स जो लोअर कास्ट हिंदूज थे जिन्हें कन्वर्ट किया, उनको नहीं मिला वो स्टेटस जिसके लिए उन्होंने कन्वर्ट किया टू इस्लाम, तो वो कहलाए अर्जल मुसलमान। अब ये रफली है लार्जर स्ट्रक्चर जो है अबाउट कास्ट अमंग मुस्लिम्स, हमारे अशरफ, अजलाफ और अर्जल, ठीक है। तो जब हम कास्ट के बारे में बात करते हैं, हमें सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है जो हमें समझना है कि सामाजिक तौर पे अलग अलाहिदा किन्हें ट्रीट किया जाता है, अलाहिदा किन कास्ट को रखा जाता है। इसमें ये जरूरी है समझना कि अर्जल मुसलमान जो है वो किस हिसाब से एक्सक्लूजन, किस हिसाब से शोषण फेस करते हैं। एक तो इंडिया टच मूवी, अनटच सॉरी, हमने जो देखी, उसके अलावा भी अगर आप पढ़ेंगे या अगर आप रूरल इंडिया में जाते हैं या रहते हैं, तो वो एविडेंट है, वो आपके सामने है कि किस हिसाब से वो क्या फेस करते हैं। तो सबसे ब्लेटेंट या सबसे क्लियरली जो दिखता है वो है इकोनॉमिक सेग्रीगेशन, कि आर्थिक हिसाब से उनका जो अलगाव है वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में कहाँ पे फिगर आउट होते हैं। मतलब क्या वो सर्विस क्लास में, क्या वो इंडस्ट्रियल क्लास के हैं, वो किस क्लास के लोग हैं। सो वो हमेशा एक ऐसे जॉब में पाए जाते हैं अर्जल मुसलमान जो सामाजिक तौर पे गंदा माना जाता है, जो गलीज जॉब माना जाता है, जैसे सफाई कर रहे, गटर साफ कर रहे, डेड एनिमल्स को कैरी कर रहे, डेड एनिमल्स को मार रहे, सॉरी जिनको बुचर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज है। दूसरा ये है कि उनके साथ किस हिसाब से सामाजिक शोषण होता है, जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वो किस हिसाब से सबसे ज्यादा एविडेंट होता है, और वो ये है कि छूत अछूत होता है, बहुत एक्सप्लिसिट। मुस्लिम्स में वो कैसे पाया जाता है? आपकी अलग मस्जिद है, आप यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जाएं और आप देखें कि सईदों के मोहल्ले ये अलग है और जो अर्जल मुसलमान है उनके मोहल्ले अलग है। क्या सईद मुसलमान जाते हैं अर्जल मुसलमानों के मोहल्ले में? नहीं। वैसे ही क्या अर्जल मुसलमान सईद मुसलमानों के या अशरफ मुसलमानों की मस्जिद में जा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि आपके कब्रिस्तान भी अलग है। तो ये सबसे कॉमन और सबसे ब्लेटेंट मैनिफेस्टेशन है जात पात का मुसलमानों में, कि आपके कब्रिस्तान और मस्जिदें अलग हैं।
जो हमने ये मूवी देखी इंडिया अनटच्ड, उसमें हालांकि कुछ मुसलमानों ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हम मस्जिद में तो साथ में होते हैं लेकिन जो ही मस्जिद के दरवाजे से निकलते हैं तो सब भूल जाता है, लेकिन ऐसी भी जगह है बहुत सारी जहाँ अलग मस्जिद है, अलग कब्रिस्तान है, एक ये। दूसरा हमें आर्थिक मौके जो मिलते हैं ना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्या अर्जल मुसलमानों को एक्सेस मिलता है एजुकेशन का, रिसोर्सेज का, एम्प्लॉयमेंट का? नहीं। क्या वो आगे बढ़ सकते हैं इकोनॉमिक लैडर पे? क्या उनकी अपवर्ड मोबिलिटी हो सकती है? क्या अगर उनको पढ़ाई, वो पढ़ लिख के आगे बढ़े अपना कास्ट नेम लेके, तो क्या उनको एक्सेप्ट किया जाएगा सोसाइटी में? मीगर एविडेंस है इस चीज़ में। तो वो जो कास्ट स्टिग्मा है, जो आपका ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन था, जो आपका कास्ट स्टिग्मा है, आपकी कास्ट आइडेंटिटी है, क्या आप उसको छुड़ा पा रहे हैं? मीगर एविडेंस। तो इसी तहत विद द बैकग्राउंड जिसके बारे में जो मैंने बात की, आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट पसमांदा मूवमेंट। और मैं पसमांदा मूवमेंट के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि जब भी हम जात पात या जात मुसलमानों में बात करते हैं तो पसमांदा बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस बनता है, क्योंकि ये एक ऐसा पोलिटिकल एक्सप्रेशन था जो सामने आया। ऑफकोर्स हर मूवमेंट की प्रॉब्लम्स और स्प्लिंटर्स होते हैं, पसमांदा फेस हैज विद ऑल द प्रॉब्लम्स दैट इट हैज। आई वांट टू एक्नॉलेज एंड टॉक अबाउट पसमांदा। तो पसमांदा अली अनवर ने एस्टेब्लिश किया था 1998 में, और अली अनवर खुद ओबीसी थे, और पसमांदा का मतलब फारसी अल्फाज है, और इसका मतलब हुआ दोज हू हैव फॉलन बिहाइंड, जो पीछे रह गए। ठीक है, तो वही अली अनवर जी का मानना था कि ऑफकोर्स दलित मुसलमान या जो हम पिछड़े मुसलमान हैं, हमें हक अपने दे, हमें अपने हकूक दे, जो अशरफ मुसलमान रिकग्नाइज नहीं करते हैं। तो ये अपने हक के लिए लड़ रहे थे कि हम अलग इलाके में क्यों रहे, या हम अलग मस्जिद में क्यों जाए, हम अलग कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को क्यों दफनाएं, और हम अलग से खाना क्यों खाएं। अगर आप हमें महफिल में बुला रहे हैं, पहले तो बुलाते नहीं, अब अगर बुला भी रहे तो हम अलग से खाना क्यों खाएं। तो ये सब था जो पसमांदा का लार्जर ये था पर्पज। हाँ, अभी ये है कि एक और ऑथर है अयूब रही जी, और कहते हैं कि नहीं, अब आप पसमांदा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पसमांदा अल्फाज अपने आप में ये है कि दोज़ हैव फॉलन बिहाइंड, जो पीछे रह गए, एक ये। और दूसरा, पसमांदा जो मूवमेंट है ये नहीं करता है कवर अर्जल मुसलमानों की हकीकत। ये जिन मुसलमानों की हकीकत ज्यादा कवर करता था वो अजलाफ मुसलमान थे, जिनको मौका मिलते ही वो आगे बढ़ पाए क्लास लैडर पे, जिनको थोड़ी सी अपवर्ड मोबिलिटी मिली, जिनको मिला एक्सेस एजुकेशन को, रिसोर्सेज को, जो अपनी ओबीसी रिजर्वेशन का उठा पाए फायदा। लेकिन अर्जल मुसलमानों का क्या, उनको अगर रिजर्वेशन ओबीसी की मिल भी रही है, वो कहाँ, वेयर इज एजुकेशन फॉर देम, कहाँ मिल रहा है उनको एम्प्लॉयमेंट, उनके पास इतने रिसोर्सेज है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एजुकेशन एक्सेस कर पाए? तो इवन पसमांदा में वो प्रॉब्लम हो गया, which is evident in most movements, कि वहाँ भी एक particular class, जो अजलाफ class था ना, middle class जिनको कहते हैं, वो आगे बढ़ पाए। तो एक ये क्या कहते हैं, findings, यूपी में survey हुआ था कुछ साल पहले, and why I think ये survey के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ is क्योंकि जब भी, मतलब अभी भी वी आस्क पीपल कि क्या तुम्हें लगता है अभी अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, या तुम्हें लगता है छूत अछूत की प्रॉब्लम है क्या अभी, तो मोस्ट लोग हमारी अपनी अर्बन सेंसिबिलिटीज जो भी है जवाब रहता है, या तो नहीं उतना नहीं, जो भी है। लेकिन कुछ साल पहले ही इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा था कि अभी भी कितने परसेंट हिंदुस्तानी, कितने परसेंट पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। तो ये यूपी में सर्वे हुआ था कुछ साल पहले, मुसलमान घरों में 7,000 मुसलमान घर थे इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स। तो I'd like to share the findings, क्योंकि to just establish कि उतना दूर नहीं है ये reality, मतलब it's still evident, it's still stark, हमारे सामने अभी भी। तो 7,000 घर हुए थे 14 districts में survey, और जो दलित मुस्लिम्स थे, most of them said कि सबसे पहले तो हमें invite नहीं किया जाता है, अगर अशरफ मुसलमानों के घर में कुछ होता है, शादी ब्याह जो भी, we're not invited। फिर अब जिनको invite कर भी लिया, उनमें से 3/4 लोगों ने ये कहा कि उनको इंतजार करना पड़ता है जब तक अशरफ मुसलमान खाना खा ले, वो खत्म करे, और फिर हमें खाना खिलाते हैं, और बर्तन भी अलग ही रहते हैं हमको। फिर बच्चों से पूछा गया, पहले तो बहुत कम बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर जिन उस कम बच्चों में भी 8% बच्चों ने ये कहा कि उनको स्कूल में अलग बैठा दिया जाता है, उनको बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठा दिया जाता, चाहे वो अपर कास्ट हिंदूज हो या अपर कास्ट मुस्लिम हो।
वैसे ही ऑलमोस्ट 30-40% जो लोग थे उनको अलग कब्रिस्तान में दफनाना पड़ता है अपने मुर्दों को जो अर्जुल मुसलमान है, और वैसे ही 13% लोग, सबसे पहले तो अशर मुसलमानों के घर आना जाना है नहीं, अब जा रहे हैं तो हाँ किसी काम से जा रहे हैं, उनका घर साफ करना, बाथरूम साफ करना है, अब अगर तुम्हें पानी के लिए पूछा भी जा रहा है तो मैं अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, तुम्हें बाहर पानी दिया जा रहा है, उसमें से भी 13% लोगों ने ये कहा कि हमें पानी अलग कंटेनर में। तो ये जो फूड प्रैक्टिसेस है ना, जब हम इनके साथ नहीं खा रहे हैं, या अक्सर मुसलमानों और अशर मुसलमानों में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि वो कमरा भी शेयर नहीं कर रहे खाने के लिए, बर्तन अलग रख रहे, सो कॉमन सैलरी क्या है, और ये एविडेंट है मुसलमानों में हिंदुस्तान के। तो ऑल दीज फाइंडिंग्स ये हमें क्या बताती हैं कि मत रहो डिनाइल में, कास्ट मुसलमानों में एग्जिस्ट करती है सब कॉन्टिनेंट में जैसे एग्जिस्ट करती है हिंदूज में। हाँ फर्क ये है कि हिंदुइज्म सैंक्शन करता है इसको रिलीजियसली और इस्लाम में नहीं है कास्ट, मगर क्या इससे हमारे बर्ताव में कुछ तब्दीली आई? ये तो हम सब बोलते कि हाँ भाई इस्लाम में नहीं है, ये वर्स पढ़ लो तुम, वो कर लो हदीस में, फिर क्या हम उसको मानते हैं? क्या हमारी सोशल रियलिटी वैसी है? नहीं है ना, हमारे पास है ना मोहल्ले, हर हर शहर में मोहल्ले है, हर शहर में ऐसे इलाके है जहाँ बस एक जाति के मुसलमान रहते हैं, और वो यूजुअली एक ऐसा काम करते हैं जिसको अपर कास्ट या अशरफ मुसलमान गंदा मानते हैं, जैसे गटर साफ करना, लैट्रिन साफ करना। तो दिस गेट्स अस टू द पार्ट वेयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू आस्क क्यों हम बात करें अबाउट कास्ट, मतलब क्यों कास्ट के बारे में बात करना जरूरी है। तो हालांकि हमने कहा था हम जार्गन यूज नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा ये है कि एक ऑथर है ज़ोया हसन, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड हर नेम। तो सबसे पहले ये जरूरी है समझना पॉलिटिक्स, मतलब द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स, द आइडिया ऑफ जिसको हम सियासत कहते हैं। मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सीपीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो भी है जो भी पार्टी में सपोर्ट करती हूँ, उसमें एक सेंस ऑफ पॉलिटिक्स है ना मेरा या आपका, आप जिसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो सपोर्ट करना एक पॉलिटिक्स है, सपोर्ट नहीं करना भी एक पॉलिटिक्स है। जब आप कहते हैं देखो भाई मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी पॉलिटिक्स है ना, देयर इज नथिंग ए पॉलिटिकल पर से, सब कुछ पॉलिटिक्स है, आपकी खामोशी, आपका बोलना, सब कुछ पॉलिटिक्स है। तो इसीलिए ज़ोया हसन जो ऑफकोर्स कहीं और से भी बोरो करती है कंसेप्ट, कहती है कि जब हम मुसलमानों में कास्ट की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हाँ मुसलमानों में जात पात है, तो वो क्या है? वो एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस है, हम एक मौजूदगी समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक्नॉलेजमेंट देना अपने आप में एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस है, तुम एक मौजूदगी को एड्रेस कर रहे हो, तुम एक मौजूदगी को एक्नॉलेज कर रहे हो, और वो अपने आप में एक चीज है। फिर ज़ोया हसन आगे बोलती है दैट जो अर्जुल मुसलमान है उनको ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज है ना, इट्स नॉट दैट देयर जस्ट मुस्लिम, एक तो माइनॉरिटी है मुसलमान है हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, फिर उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है कि वो अनक्लीन जॉब्स में, फिर उनकी सोशल आइडेंटिटी है कि ये तो भाई हिंदू थे, वो भी अछूत हिंदू, फिर उनकी एक ये सब आइडेंटिटीज, और फिर उनकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी भी, दे आर नॉट वेल ऑफ, वो यूजुअली गरीब रहते हैं, तो ये सब आइडेंटिटीज उनके लिए ओवरलैपिंग है और ये विशेष बन जाती है उनके लिए, दे जस्ट कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। और हम कैसे मतलब इस सब में वी हैव टू एक्नॉलेज दिस होल आइडिया उसकी आइडेंटिटी का, कि ये इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, ये महरूम जो रहते हैं ये इतनी सारी चीजों से, तो ये आइडिया उनके लिए और डिप्राइविंग कैसे होती है? ये ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज ना, एक आइडेंटिटी की लेयर दूसरी तीसरी चौथी, और सब आर टू देयर डिसएडवांटेज। तो इस आइडेंटिटी के कारण जैसा एस्टैब्लिश्ड वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, भेदभाव, छुआछूत, और ऑफकोर्स सबसे मतलब इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ये भी है कि आर्थिक अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलती है। कुछ साल पहले, बहुत साल पहले रादर, सचर कमेटी रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट ने समझ लिया था कि मुसलमानों की कंडीशन हिंदू दलितों से भी बदतर है, और वो रिपोर्ट कहती है कि यार यार सिर्फ 5% है जो वेल ऑफ मुस्लिम्स है, और वो नहीं, मतलब यू कैन नॉट से कि मुसलमान होमोजीनियस है, तुम नहीं कह सकते हो मुस्लिम सेम है, एक हिंदू राष्ट्र है और फिर मुसलमान एक एक समान, नहीं है होमोजेनस मुस्लिम, सिर्फ 5% वेल ऑफ मुस्लिम्स है, बाकी सोचो द रेस्ट इज नॉट वेल ऑफ।
और उसमें सरकार ने किया था एक्नॉलेज कि मुस्लिम ग्रुप्स कि जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करेंगे या अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे तो हमें मुस्लिम ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है. हम ऐसे ही ब्लैंकेट वन साइज फिट्स ऑल वाली पॉलिसी नहीं कर सकते मुसलमानों का. और भी एक रिपोर्ट थी, आई डोंट नो, वो महाराष्ट्र में आई थी, महमूदुर रहमान डाटा इंस्टीट्यूट है, काम किया था उसमें, उसमें भी यू नो सेम फाइंडिंग्स थे. ऑफ कोर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स की प्रॉब्लम्स होती है, मैं उनको यहाँ पे ऐसे यूज नहीं कर रही हूँ कि बस ये हकीकत है मुसलमानों की, नहीं, आई एम यूजिंग देम एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. मैं उनसे हवाला दे रही हूँ कि हाँ देखो स्टैटिस्टिकल डेटा भी है हमारे पास. तो एक तो ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस, और दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संविधान के हिसाब से एससी स्टेटस नहीं मिलता है मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को. और उसकी वजह दो साइड की जाती है, पहली ये कि टेक्स्टुअली इस्लाम जो है किताबों में, कुरान में, कुरान में हदीस में कास्ट नहीं है. ये पहला बोला जाता है कि आपके तो इस्लाम में कास्ट नहीं है तो क्यों एससी स्टेटस. और दूसरा रीजन ये कि इस्लाम फॉरेन रिलीजन माना जाता है, मतलब उसकी जन्मभूमि हिंदुस्तान तो है नहीं. So that is why these are the two main reasons जिसकी वजह से SC status दलित मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा है. और इसमें ये हो रहा है कि जो OBC का blanket cover फेंक दिए हैं मुसलमानों को, उसमें भी अजलाफ मुसलमान ही आगे बढ़ पा रहे हैं, जिनको middle caste कहते हैं. ये इनका क्या नाम है, आप अयूब रहीम जी को पढ़े और वो लिखते हैं इस पे, writes extensively कि कैसे मिडिल कास्ट को फायदा मिल रहा है ज्यादा इस ओबीसी कवर की वजह से, जबकि अर्जुन मुसलमान वहीं के वहीं रह रहे हैं. तो ये दो मेजर रीजंस है बहुत ही सिंपल तरीके से, जो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए ज्यादा अबाउट कास्ट मुसलमानों में जो है. फिर सानिया चाहती थी मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ कश्मीर का. आई वुड लाइक टू, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, और टू अंडरस्टैंड और कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट, जो कश्मीर का पस मंजर है वो थोड़ा अलग है जब हम समझते हैं ये. क्योंकि ए इसलिए कि हाउ डज एक इंडियन कश्मीरी आइडेंटिटी को कैसे समझता है, आपको क्या लगता है कश्मीर है क्या है, है ना. एक ये क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कश्मीरी की पॉलिटिकल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ओवर लाइक एक इंडियन की नज़र में. दूसरा ये कि यहाँ की जो थोड़ी रिलीजियस हिस्ट्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट रही है, जिसको हम सिंक्रेटिक कहते हैं. कश्मीर है साढ़े सिंक्रेटिक हिस्ट्री, यहाँ ब्राह्मणिज्म था, बुद्धिज्म था, इस्लाम आया, सूफिज्म है, बहुत अलग तरीके से रिलीजियस इंटरेक्शंस हुए. तो इसीलिए जो प्रोग्रेशन हुआ है रिलीजियस आइडियोलॉजी का वो बहुत अलग तरीके से रहा है. फिर कॉन्फ्लिक्ट 90s का, फिर क्या रहा है तौर तरीके चीज़ समझने का, सब कुछ एक अलग डायनामिक देता है. बट बहुत ही सिंपल सेंस में अगर आप सवाल पूछेंगे कि क्या कश्मीर में मुसलमान जात पात करते हैं, उसका जवाब होगा हाँ करते हैं, मानते हैं जात पात में. यहाँ भी अशरफ मुसलमान है, यहाँ के जो लो कास्ट मुसलमान है वो ज़्यादातर वैसे ही वही ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है, जैसे शेख कास्ट जो होती है यहाँ की वो लोग स्वीपर्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही वातल हांजी वो फिशरमैन होते हैं, फिर मोची कॉबलर्स होते हैं, खार जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं वो एक्सक्लूडेड कास्ट मानी जाती है यहाँ, उनको सोशल स्फीयर में स्टिग्मा फेस करते हैं वो, ठीक है. तो जात पात यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे है. अगर हल्का सा थोड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा वो ये है, जो काफी काफी नहीं, एक तो ऑथर्स लिखे हैं बशीर डबला, और जब मैंने अपना एमफिल का फील्ड वर्क किया था तो मुझे उसमें ये पता चला था कि अपवर्ड मोबिलिटी का स्कोप है अगर आप, क्योंकि कश्मीर में एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेस हिंदुस्तान के कंपैरिजन में बहुत अलग सिनेरियो है. यहाँ जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उसमें बहुत तब्दीली आई, तो उस वजह से एजुकेशन है यहाँ काफी लोगों के पास. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है या नहीं वो दूसरा सवाल है, बट एजुकेशनली लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो जब जब किसी को मौका मिले यहाँ एजुकेशनली या एम्प्लॉयमेंट हिसाब से आगे बढ़ने का, वो आगे बढ़ता है, और वो अगर क्लास लैडर पे खुद को इम्प्रूव कर सकता है, वेल एंड गुड. लेकिन मुझे कुछ ऐसी फैमिलीज मिली जो जिनके एंसेस्टर्स मछलियाँ बेचते थे, और अभी वो बिजनेसमैन हो चुके थे दो तीन जनरेशन, एक जनरेशन की. लाइक आई मेट सम फैमिलीज, दे वर वेरी वेल ऑफ, बहुत रईस घरों के लोग थे वो, और उनकी शादियाँ हो चुकी थी सो कॉल्ड अपर कास्ट में, जो यहाँ लैंडलॉर्ड कास्ट है, बिजनेस कास्ट है या सईद कास्ट है, उनमें हो गई थी उनकी शादियाँ. लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप मिले जो मतलब
ये पहली जनरेशन थी जिनको अपवर्ड मोबिलिटी मिली, मतलब पहली पहली फैमिली थी जिन्होंने एजुकेशन देखा, पैसा देखा. क्या इनका सोशल स्टिग्मा कम हुआ था? नहीं. अभी भी लोग कहते थे नहीं नहीं ये तो वो कास्ट है, ये तो वो ये कास्ट है. ठीक है, एक ये. दूसरा, अगर आपको कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट समझना है और आप फिर ये सवाल पूछते हैं कि क्या उसमें कास्ट लॉयल्टीज है, उसका जवाब अभी तक जितना मैंने समझा, मैंने जाना अपनी फील्ड वर्क से, जितना मैंने पढ़ा, उसका जवाब नहीं है. और मैं मोहित भाटिया एक ऑथर है, उसने भी इस पे काम किया और मैं उनको कोट करना चाहूंगी. और उन्होंने लिखा कि जब हिंदू जो है ना जम्मू के, जब जम्मू और कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना हिंदू मुसलमान का, तो तब जब जम्मू के ब्राह्मण और जो जम्मू के दलित है वो साथ में उठते हैं एंड दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द मुस्लिम ऑफ कश्मीर. तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, जो कास्ट आइडेंटिटी है ना वो पीछे रह जाती है, जो आइडेंटिटी है ना कॉन्फ्लिक्ट की, जो मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ना वो ज्यादा हावी हो जाती है, वो सुपरसीड करती है मेरी कास्ट आइडेंटिटी को. तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं ना कि ये ऑपरेसर है ये नहीं है, ये स्टेट वायलेंस है, जो भी है, मतलब वट एवर इट इज, तब आप कैसे कश्मीर के बारे में बात करते हैं? क्या आपकी कास्ट आइडेंटिटी वहां पे कंट्रीब्यूट करती है? नहीं. लेकिन क्या आपकी सोशल लाइफ में आपकी कास्ट आइडेंटिटी कंट्रीब्यूट करती है कश्मीर में? हाँ. एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, उससे सबसे ज्यादा एविडेंट है सोशल स्टिग्मा. मतलब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए कश्मीर में प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम कास्ट के बारे में बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या बनता है कि हिंदुइज्म में काम हुआ है ना कास्ट पे बहुत, उठा लो वहीं से. बट यहाँ आप वो पायरामिड नहीं डाल सकते हो, यू कैन नॉट सुपर इम्पोज दैट पायरामिड कि ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, नहीं. क्योंकि यहाँ अपवर्ड मोबिलिटी का जो स्कोप है ना, ऊपर जाना क्लास लैडर पे, वो थोड़ा सा अलग है. और फिर यहाँ ये है कि जब इस्लाम कश्मीर में आया तो जो कन्वर्जन हुआ ना वो सिर्फ दलित्स का नहीं हुआ ना, यहाँ के जो ब्राह्मण थे ना उनका भी कन्वर्जन हो गया. जो यहाँ के मतलब ट्रेडिंग क्लास थे, ट्रेडिंग कास्ट थी, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनका भी कन्वर्जन हुआ. तो वो खुद को लोअर कास्ट नहीं मानते हैं ना. फॉरेन एंसेस्ट्री जब आई, भले ही जो यहाँ के सैयद होते हैं, पीर उनको कहते हैं यहाँ, वो फॉरेन एंसेस्ट्री मानते थे खुद को. ठीक है, वो हम अपर कास्ट थे, लेकिन एट द सेम टाइम जो ट्रेडिंग और बिजनेस कास्ट रही है ना कश्मीर की, दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स लो कास्ट एंड दे आर नॉट लो कास्ट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हॉरिजॉन्टली कैसे प्लेस्ड है आपस में. फिर इनमें एंडोगमी कैसे होती है, आपस में रिश्ते कैसे होते हैं, क्लास लेवल पे रिश्ते कैसे होते हैं, कास्ट और क्लास का क्या रिलेशन है, रिश्ते कैसे हो रहे हैं शादियों के, वो सबसे एविडेंट होता है ना. फिर जो क्वेश्चन उठाया जाता है यहाँ कि एक्सक्लूड कौन सी कास्ट हो रही है मैरिज नेटवर्क से, सोशल सिस्टम से, तो उसमें इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक ऑफ दी सर्टन कास्ट इन कश्मीर जो एक्सक्लूड हो रही है हर किसी चीज से. अगर आप 100 लोगों की लिस्ट पढ़ेंगे जो डॉक्टर्स रहे, 100 नेम्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, आईएएस ऑफिसर्स, एवरीथिंग, इन सब में कौन सी कास्ट है जो आपको दिखती ही नहीं है? और वो कुछ 2-3 कास्ट जो बहुत मुश्किल से अभी तक जिनको नहीं मिली होती आपको मिली, और उनमें स्वीपर्स या चूड़े या जिनको शेख कहते हैं वो आते हैं. ठीक है, फिर हमारे कुछ वातल है, कुछ हांजी है, ये सब है. ठीक है, फिर दूसरा जो मैंने देखा हम सब में कश्मीर में भी एज वेल एज अमंग इंडियन मुस्लिम्स, मैंने ये देखा कि अगर आप यूजुअली किसी से भी पूछे ना, सी इट्स गुड, हम लोग थोड़ा अवेयर हैं, थोड़ा बहुत पता है तो हम कर सकते हैं कास्ट के बारे में बात. लेकिन आमतौर पर जब भी मैंने अपना सर्वे जब स्टार्ट किया 1-1.5 साल पहले, तो मैं जब कश्मीरी बच्चों से या बाहर इंडियन मुस्लिम से पूछती थी कि आपको लगता है क्या कास्ट एग्जिस्ट करते हैं मुसलमानों में, नहीं करता क्योंकि ऐसे लिखा है इस्लाम में. तो फिर मैं उनको बोलती थी, अच्छा आपको ये पता है ये क्या होता है कि ये चूड़ा है या ये भंगी है, या कश्मीर में हम बोलते हैं वातल है, तो वो कहता हाँ ये गालियां हैं. यू कैन इमेजिन हमारा आइडिया ऑफ प्योरिटी पॉल्यूशन इतना एम्बेडेड है ना हमारी साइकी में कि हमने कास्ट ग्रुप्स जो ऐसे सो कॉल्ड इम्प्योर काम करते हैं वो हमारे लिए गालियां बन गई है, और हम इतना सबकॉन्शियसली उनको इंटरनलाइज किया ना कि वी कैन नॉट मेक सेंस दैट देयर कास्ट ग्रुप्स. तो मुझे शॉक लग गया, आई वाज लिटरली शॉक, क्योंकि मुझे इतने सारे लोग मिले जिनको पता ही नहीं थी ये कास्ट ग्रुप्स है, चूड़ा, चमार, भंगी, इन कश्मीर वातल, हांजी. हांजी तो चलो पता थी, लेकिन वातल ये सब पता ही नहीं थी, उनको लगता था ये गालियां हैं. तो ये जो सारा है ना दिस आइडिया ऑफ ये पाक है, ये ना पाक है, टू मेक अ कास्ट ग्रुप ए कास्ट स्लर,
वो अपने आप में बताता है कि हम में कास्ट कितना प्रेवलेंट है मुसलमानों में. और हमें ये जरूरी समझना है कि इस्लाम कबाइली रिलीजन था, इट वॉज अ ट्राइबल रिलीजन. जब अरब में वो आया इसमें कबाली होते हैं ना, ट्राइब का सेटअप था. तो साउथ एशिया में अगर मुसलमान प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हिंदुइज्म से इंटरेक्शन हुआ है जिसकी वजह से हमने कास्ट अडेप्ट किया है. लेकिन फिर आज के टाइम में इसको इतना ऐसे जस्टिफाई करना कि क्योंकि कुरान में लिखा है कि हर प्रॉफिट आला नस्ल से आया था, कहाँ ट्राइबल प्रॉफिट कुरैश के ट्राइब से, प्लीज. या फिर इस वर्स का मतलब ये हो सकता है, नॉट डन, जो है वो है, मत करो इंटरप्रेट टू जस्टिफाई कास्ट सिस्टम जो अशरफ उस्मानी में है. आई थिंक इट्स इनफ है ना. कश्मीर के बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया. और ये तो सानिया, आई थिंक यू कैन ओपन द फ्लोर ना. यस यस, थैंक यू. ये तो जो हम लोग कास्ट हैं और अब हम लोग समझ भी रहे हैं कि हाँ भाई ये कास्ट प्रैक्टिस है कि आप बर्तन अलग दे रहे हो या ये ऐसा है, तो ये बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से मुसलमानों में? इस पे कोई सर्वे या कुछ है इसके पर? देखो सानिया, काम हो रहा है या बढ़ रहा है ऐसा कोई सर्वे नहीं है, बट ये है कि एब्सेंट नहीं हुआ है. ठीक है, मतलब अभी भी जैसे मैंने कहा कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे था ना कुछ साल पहले जो हुआ था, तो उन्होंने यही कहा था कि 8-10% हिंदुस्तानी अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं छूता छूत. बट मैं डेटा से ज्यादा ये है कि हम सब जो यहाँ है, जो थोड़ा बहुत फील्ड एक्सपीरियंस है अक्रॉस इंडिया रहा है इन डिफरेंट स्टेट्स, मुसलमानों के इलाके में या हिंदुओं के इलाके में, तो खुद भी आप जब देखते हो ना, अगर मतलब मैं जैसे मैं महाराष्ट्र में थोड़ा सा काम की थी, तो मैं जिस भी गांव में गई, जैसे अगर मैं 10-15 गांव में गई, उनमें से शायद एक्चुअली एक भी गांव नहीं मुझे मिला. 10 के 10 गांव में अभी भी सेपरेट रेजिडेंशियल स्पेसेस थे, वो अभी भी अनटचेबिलिटी की शिकायत करते थे. और हमारे लिए सबसे छोटी एग्जाम्पल थी जो इंडिया अनटच में भी दिखाया, वो ये है कि जब हम लोग आउटसाइडर्स जब गए, हमारे पीछे पीछे बच्चे आ रहे थे जो अपर कास्ट बच्चे थे, ओबीसी बच्चे थे वो. लेकिन जब हम दलित गांव में पहुंचे ना, वो खुद रुक गए. और वो कितने साल के होते, वो 5 साल के 6 साल के होते. ठीक है, एक ये तो हाँ, वो जो वायलेंट इंसिडेंट्स ऑफ अनटचेबिलिटी अर्बन स्पेसेस में, मे बी वो थोड़ा बहुत कम हो गई है. बट वी नो, मतलब व्हेन वी रीड दीस एकेडमिक पेपर्स, जैसे गोपाल गुरु ने जो लिखा है विद ऑल द प्रॉब्लम्स कि हाउ अर्बन स्पेसेस में अनटचेबिलिटी मैनिफेस्ट ना, शेयरिंग ऑफ फूड कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ वाटर बॉटल ना, सॉरी आई डोंट शेयर माय वाटर बॉटल, ये सब चीजें कैसे मैनिफेस्ट होती है. तो ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन तो कम हुआ है, लेकिन इरेडिकेट नहीं हुआ है. और मुसलमानों में तो एक्नॉलेज नहीं होता है ना सबसे पहले. That is why this UP survey I quoted, no, because I wanted to bring forth कि हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं छोटा छोटा, क्योंकि हम लोग इस्लाम का रेफरेंस देते हैं हमेशा. But it exists. चलो, आपकी आवाज बहुत कट रही है, पर I think आपके दो सवाल हैं कि ये जो गांव है जिसकी बात हफ्सा कर रही है, क्या वो मुसलमान गांव है, और जाति और बिरादरी में फर्क क्या है, right? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, मेरी आवाज आ रही है. मुसलमान गांव मुझे झारखंड में कहीं मिला था, वो लोहरदगा के आसपास था. वहां पे जो मुसलमान रहते थे, वहां आश्रम मुसलमानों का आना जाना नहीं था, एक ये. दूसरा, कश्मीर में जो मुझे एक मोहल्ला मिला, शेख मोहल्ला, जहाँ शेख लोग रहते हैं जो झाड़ू मारते हैं, उनके मोहल्ले में भी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज आती है थोड़ा बहुत, जब ये होता है क्या कहते हैं इसको, इलेक्शन, या फिर जब रमजान में कभी मौलाना लोग आ गए कि चलो भाई मस्जिद आ जाओ. ठीक है, तो दूसरा सवाल आपका था बरादरी और जात में क्या डिफरेंस है. जात जात कास्ट है, मतलब जो आपको सिंपल टर्म्स, मतलब विदाउट एनी सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जात है जो आपको या आपकी कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी है, जो आपके ऑक्यूपेशन से डिफाइन हो रही है, या जो आपके नस्ल का नाम दिया गया है आपको. ठीक है, सैयद, पठान, शेख, ये सब ना होमोजेनस, जो होमोजेनस ग्रुप्स बन जाते हैं ना, जैसे अंबेडकर कहते हैं पार्सीज को होमोजेनस यूनिट्स, अगर मैं वैसे टेक्निकल डेफिनेशन दूं. तो जात मींस कास्ट जो है आपकी, है ना. बरादरी यूजुअली ब्रदरहुड वगैरह ना, यूनिटी समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं.
मुस्लिम्स में, यू नो हम हमें बरादरी है, फ्रेटर्निटी है, तो वो ऑफ कोर्स मतलब टेक्निकल मीनिंग तो उसका यही है कि जो हमारी फ्रेटर्निटी है, जो आपस में भाईचारा है, लेकिन आमतौर पे वो इससे भी इस्तेमाल होता है कि मुसलमानों में तो भाईचारा होता है तो उसमें कास्ट तो है नहीं, तो वो होमोजिनस का आइडिया जब हमें इम्पोज करना होता है ना, तब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल है नबीला, क्या आप Can you hear me? Yes, assalamu alaikum sister Sana. Before I move on to my question, I would like to give a brief review on what I do. Ma'am, I've been working on Dalit rights from past two years. बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो मैं बेसिकली मैं उन उन जगहों पे काम करती हूँ जो दलित लोग हैं, जो ह्यूमन पिट्स में जाते हैं, एसेप्टिक टैंक्स में जाते हैं और ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्लीन करते हैं। सो हिंदू दलित की रिकग्निशन है इंडिया में, बट पीपल डू नॉट टॉक अबाउट मुस्लिम दलित। पीपल मुस्लिम्स आर स्टिल लिविंग इन दिस आइसोलेशन आइडिया दैट द दलित do not exist in Muslims because of their religion. So ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि हम ऐसी राइट नहीं दे पाते हैं दलित मुसलमानों को, कि उनका रिकग्निशन नहीं हो पाता है, बिकॉज क्लर्जीज जो हैं वो बात नहीं करते हैं कि दलित मुसलमान भी हैं इस माशरे में और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए। पीपल टॉक अबाउट मुस्लिम राइट, पीपल टॉक अबाउट वुमेन राइट, पीपल टॉक अबाउट चिल्ड्रन राइट इन इस्लाम, बट नोबडी हैज एवर स्पोकन अबाउट द दलित राइट्स। एंड वी शुड नॉट, लाइक आई particularly feel that we should not forget that this whole process is part of, not part of the Quran, but it has been attached to Muslims from ages, since the time people started, Hindus started converting to Islam to take the refuge from the discrimination. So मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है that Muslim Dalits are not considered to be SCs and they get the reservation of in jobs and universities under OBCs. So तो इसी वजह से जो competition है बहुत difficult हो जाती है, because wherein if Dalit Hindu would get 48% in SC, on the other hand Muslim Dalit has to get more percentage as compared to the Dalit Hindu. So mujhe lagta hai iske liye we need to, like we've spoken about the problems of it, but we've not spoken about the solution to the problems that have come across this board. So my suggestion to this problem is, first is awareness. Awareness is very important here, because majority of us do not know how Dalit is part of Muslims, firstly. Secondly, policy making is very important, documentation work. So there is a survey of 2011 census survey which says that there are 172 million Muslims engaged in Dalit practices, like such as menial jobs of cleaning human excreta and going into the factories, cleaning aseptic tanks and the things like that. And there are a lot of survey that people die in those while cleaning, and people get infected, people die of cancer. There is no recognition because these people are not considered to be Dalit Muslim. They are just Muslims, but not Dalit Muslims. And so there are, similarly for Christians also, for Christians also, they're also not considered to be SCs. They get the reservation of OBCs. So there are several matters pending before the Supreme Court to consider Dalit Christians as like Dalit Hindus. Similarly, nobody has made an attempt to do that thing in filing a petitions before the court, asking them to give the reservation for Dalit for SC to Dalit Muslims. So this is my suggestion, if some NGOs can come together and collect the data and go before the Supreme Court giving same status as Hindu Dalit to Muslims. So
we can one way we can help these people to get reservations and job, we can help these people to get reservation in various central and state universities. So that is my suggestions. Yes, that's it. जी शुक्रिया नबीला, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज करे कि हम लोगों को जो प्रिविलेज क्लासेस हैं उनको आइडिया ही नहीं है कि असल में पसमानदा और दलित मुसलमानों में के फ़र्क क्या है, उसमें तफरीक क्या है। कि अक्सर हम लोग समझते हैं कि जो अर्जल है वो उसमें सभी लोग आ जाते हैं, और वी डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अजलफ एंड द अर्जल एज यू आर सेइंग राइट। और जो अभी बता रही थी वो डॉक्टर अबू रईन की जो किताब है भारत का दलित मुसलमान, उनकी कई सारे वॉल्यूम्स आए, तो उसमें इसी बारे में बात करते हैं कि ये दोनों कैटेगरीज को फर्क करना जरूरी है। तभी हम जो दलित मुसलमान हैं जिनमें वो जात आती हैं जिनको SC ST प्रोविजन मिलना चाहिए, जो हिंदुओं में सेम जात है, वो पमरिया नट भक्को जो ये जो वो सेम काम करते हैं हिंदुओं में, उनको SC ST उनको SC ST के प्रोविजन और उसके फायदे मिलते हैं, लेकिन मुसलमानों के सेम काम नहीं मिलते, काम करने वालों को वो नहीं मिलते, क्योंकि मुसलमान क्रिश्चियन जूस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दलित माना ही नहीं जाता, तो उनको SC ST में ही नहीं कैटेगराइज किया जाता। इनफैक्ट कुछ ऐसी जातें हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती, उनको OBC का भी नहीं मिलता, वो कैटेगराइज ही नहीं है। तो ये मेरा सवाल अफसाब से ये था कि जैसे पसमानदा और दलित में अगर हम फर्क करें, तो क्या ऐसा सर्वे है जहाँ से हमें पता चलता है कि जो दलित मुसलमानों की जो आबादी है वो कौन से एरियाज में, किन स्टेट्स में ज्यादा है, और क्या वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, जो नबीला बात कर रही हैं पिटीशंस करने की और उनके लिए ये वाले उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम कर रहा है ऑन ग्राउंड, या जो जो हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो इस सिलसिले में उनको जाके मदद करती हैं, क्या ऑन ग्राउंड क्या काम हो रहा है? Yeah, that is a problem that religious organization, like as far as I know, like probably there are some organizations which are helping, but as of my knowledge, there are no people, there are no Muslim organization which has gone to those areas and helped these people. One or two instances there might be, but looking at the larger issue, no organization has ever gone. Like there are some, Oxfam is there, who's prepared some data. There are some minority commission that prepared some data, but they just prepare the data to prepare in the books. Nothing substantial which has been. This topic has never brought before the parliament. This topic has never before the court. So what people are struggling, like the Dalits wants to get their struggle to courts and parliament. But what is happening, there's no representation for them. So which is the biggest problem that dalit manne ko taiyar nahi hai na, hum unko dalit manne ko kahan taiyar hai, ye bhi ek masla hai na. Yes that is also a problem, dalit ko categorize kar rahe hain. Yes, but there are some data which is not substantial to justify the problem, but there is somehow some data. That data could be used before the parliament whenever the session happens, and in the court somebody can file a PIL in court saying giving status to Muslim Dalit as Hindu Dalit, and including Hindu Muslim Dalit in SC ST Act, Atrocities Act. So those are the things which should have been done long back. Nobody has done. That's a very important thing I always tell people to do, but somehow we do not have data. A lot of NGOs do not come up, or there are NGOs which are not been working, so I have no clue. So that's a suggestion I have for the board. Yeah. जी शुक्रिया हफ्सा, आप कुछ कहेंगे इस पर? आई थिंक सना ने सवाल पूछा था ना पसमानदा और दलित में क्या फर्क है. हाँ तो सना, एक मिनट प्लीज. हम लोग सब लोग इस बात को रखा है कि उर्दू या हिंदी में बात है. जी ठीक है. जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उर्दू या हिंदी में बात करें, ताकि हमारी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाए. तो आगे जो लोग सवाल करेंगे कोशिश करें कि वो हिंदी उर्दू में करें इंशाल्लाह. हाँ तो सना, ये डॉक्टर अयूब का ही मैं इनफैक्ट रेफरेंस इस्तेमाल करना चाहूंगी. डॉक्टर अयूब बोलते हैं कि जो पसमानदा वर्ड है, अब जो अली अनवर ने आगे को दिया था पसमानदा वर्ड, अब ये नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ अजलाफ मुसलमान जो है ना, जो आगे बढ़ पाए, जिनको मिडिल कास्ट कहते हैं, वो कैटेगराइज हो रहे हैं.
जो पसमंदा मूवमेंट है या जो पसमंदा अल्फाज का इस्तेमाल है, ये दलित मुसलमान जो है, अर्जर मुसलमान जो है, उनकी रियलिटी कैप्चर नहीं करता है। तो अगर हम इसके डेप्थ में भी जाए ना, जैसे अर्जर मुसलमानों में भी फिर ग्रेडेशन होती है, उसमें भी होता है ना कि ये थोड़ा बेटर ऑफ है, ये वर्स ऑफ है, ठीक है। तो हाँ, पसमंदा ये है कि जो अल्फाज आया था जब अली अनवर ने शुरू किया था ये मूवमेंट, और अभी अगर किसी को पसमंदा के तहत कुछ फायदा हुआ है, वो ज्यादातर मिडिल कास्ट के लोग हुए, और दलित मुसलमान वो है जो एक्स अनटचेबल से, जो हिंदू अछूत थे और जो मुसलमान बने, जो अभी भी वो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस जो है ना उनके, जो मतलब जैसे नबीना जी बोल रही थी लैट्रिन साफ करना, जो मैनुअल्स के एवेंजर्स होते हैं, जो हमारी ये गलाजत साफ करते हैं, वो सब दलित मुसलमान कहलाएंगे। बट अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनली या संविधान के हिसाब से राइट रिकॉग्नाइज करना है, तो वो दलित वर्ड का इस्तेमाल होगा, वो पसमंदा वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरा आपने पूछा था ऑर्गेनाइजेशन का, डेटा का, नबीना ने बहुत अच्छा आंसर दिया, उन्होंने काम किया है उसपे, तो वो हमें बेहतर डेटा के बारे में बता सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में देखा मैंने एमपी में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आई एम सॉरी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो एक मुसलमान ही चला रहे थे, वहाँ वो काम कर रहे थे मुसलमान मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो दलित मुसलमान है ना, वहाँ जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे, जो मतलब पिट्स में घुसते हैं, सेप्टिक टैंक्स में, इन सब पे उनपे काम हो रहा था। वो बस इकलौती ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने देखी एमपी में। बाकी रिलीजियस क्लर्जी, एनजीओज वगैरह एज सच मुसलमानों पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा। आई थिंक नेक्स्ट सवाल जो हाथ उठाया है वो हुमैरा है, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को सवाल के लिए? हेलो जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने शुरू का आपकी आवाज बहुत कट रही है, अगर अगर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है तो आप मैसेज भी लिखकर भेज दें, हम लोग पढ़ देंगे उसे सवाल। हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। या हाँ, नहीं माफ कीजिएगा, नेटवर्क को लेकर इशू है, तो दैट्स व्हाई आई मिस्ड, मतलब शुरू का काफी बड़ा छूट भी गया मेरा। ये जो बात है, इट्स मोर ऑफ अ थॉट एक्चुअली, कि जैसे बात आ रही है कि दलित मुसलमान है, इस पर बात ही नहीं होती है, एंड हम लोगों को बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत रिसेंट ही पता चला होता है, काफी उम्र गुजरने के बाद की है कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, स्पेशली जब जैसे हफ्सा ने बताया कि जब शादी की बात होती है तब खास समझ आता है कि कहीं नहीं है बात करते हैं, पर वहां तो एग्जिस्ट करता ही है कि कौन से ग्रुप को, सरनेम को बिलोंग करते हैं। तो ये मसला जो है, जैसे इंडियन मुस्लिम्स का हर मार्जिनलिटी विद इन मार्जिनलिटी का जो इशू है, जैसे मुस्लिम औरतों के मसाइल हैं, तलाक के मसले को लेकर या बाकी जो भी औरतों के मसाइल हैं, उसको इस बात पर दबा दिया जाता है कि हम एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं इस देश में, जिसके पीछे मेजॉरिटी लगी है वैसे इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। तो अपनी हर जो अंदर की खराबियां हैं या जो नाइंसाफियां हैं, उसको इस ढाल के पीछे जो पावरफुल मेजॉरिटी विद इन द कम्युनिटी है, वो उसको छुपा देती है। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो कास्ट के साथ भी होता है, एंड इट्स अ थिंग जो मतलब एक दिमाग पे हमेशा सवार रहता है, इसी तरह से बड़े हुए हैं। तो इवन दो आई एम एबल टू रैशनलाइज, यहाँ पर समझ आ रही है कि इशू है, बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए, जिसको जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, पर उसी के साथ साथ ये जो मॉन्स्टर साथ में देकर बड़ा किया है हमें, कि
अगर हम अपने बारे में खराब बोलेंगे तो वो सामने वाला जो है बैठा ही है कि और चार उंगली हमारे तरफ उठाए. तो आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा. तो इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि नहीं उठाओ हमारे मसले. ये कौन है, हु इज एट द फोरफ्रंट, ये फ्रंट लाइन में कौन है जो बोल रहा है कि मत उठाओ मसले. कि एक अपर कास्ट मुसलमान है जो बोल रहा है कि भाई देखो हम माइनॉरिटी है, हम होमोजिनस है और तुम लोग हमें प्रोसिक्यूट कर रहे हो. तो हम अपनी मार्जिनलिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपनी गंध के बारे में बात नहीं करेंगे. क्या ये दलित मुसलमान आके बोल रहा है कि देखो मैं गंदगी हूँ और मेरे बारे में बात नहीं करो. अगर हम फेमिनिज्म का आर्ग्यूमेंट लेते हैं, एक मर्द बोलेगा देखो घर को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई हमें फेमिनिज्म नहीं चलाना है तो मैं घर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, जो भी है, मतलब एक बहुत बेसिक एग्जांपल है. तो क्या ये औरत ने बोला? या जब मर्द बोलते हैं ना कि मैं औरत को इतना हक देता हूँ, कौन है कोई किसी को हक देने वाला, हक तो अल्लाह की तरफ से. तो जब हम ये बोलते हैं कि देखो हमें अपने मसाइल अपने तक सीमित रखने हैं, हमें ये देखना है कि ये कौन बोल रहा है, ये किसकी आवाज है. क्या ये दलित मुसलमान ने आके बोला कि नहीं भाई मुझे तो मेरे हक नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग तो होमोजिनस ग्रुप है. क्या ये उस मुसलमान ने बोला जिसके पास खाना खाने को नहीं है और जिसको जिसका छूत अछूत हो रही है, क्या उसने आके बोला हमें ये? नहीं, ये किसने बोला? ये एक प्रिविलेज मुसलमान ने बोला जिसके पास रिप्रेजेंटेशन है, जिसके पास आवाज है कि देखो हम मुसलमान है, हम होमोजिनस है. ये सानियोर में कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि ये जो आइडिया हम होमोजेनाइटी का लेके घूमते है ना कि हम एक है, हम सब एक है, इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है. और क्यों हम मुसलमानों में कास्ट की बात नहीं करते? क्योंकि वोट बैंक तो वही डिवाइड हो जाएगा. अगर तुम मुसलमानों में भी ढूंढने लग जो है मुसलमानों में, तुम जब एक्नॉलेज करने लग जाओ ना कि ये है एक मार्जिनलिटी, ये सब मार्जिनलिटी है जो आपने कहा, वहीं पे योर वोट बैंक, यू स्टार्ट लूजिंग योर वोट बैंक. एंड दैट इज वाई ये डिवाइड एंड रूल नहीं चल पा रहा है ना, क्योंकि तुम्हें दिखाना है कि मुसलमान एक परसिक्यूटेड ग्रुप है. तो जब भी हम ऐसे सवाल सोचे या जो ऐसे सवाल पूछे, हमें ये पूछना है कौन बोल रहा है, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है. जब ब्राह्मण्स ने लिखना शुरू किया लो कास्ट के बारे में, अब हम जब पढ़ते हैं, अब इतने सारे दलित्स हैव कम टू द फोरफ्रंट एंड दे राइट, हमारा नजरिया बदल गया है. तो जब हम बात करते हैं ना किसी चीज के बारे में, दो चीजें होती है. एक ऑथरशिप होती है कि मैं मेरे को नहीं पता है हाउ इट इज टू बी एन अर्जल मुस्लिम, मैंने नहीं गटर किया कभी साफ, तो मैं लिख रही हूँ उनके बारे में क्योंकि मेरे पास एक्सेस है टू नॉलेज, टू एक्सेस रिसोर्सेज है ना. लेकिन कल को जब एक अर्जल मुसलमान लिखेगा अपने बारे में, उसका अलग एक्सपीरियंस होगा ना भाई, क्योंकि वो तो उसका ओनर है उस एक्सपीरियंस का. तो जब हम ऑथर्स होते हैं ना किसी चीज के, जब हमारे पास, हमें वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि हमें अपना नजरिया नहीं इम्पोज करना है. जब मैं कश्मीर में कास्ट के बारे में बात करती हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि तुम कैसे कश्मीर में कास्ट के बारे में बात कर सकती हो, ये एक डिवाइडिंग फैक्टर बन सकता है. लेकिन ये जिन लोगों ने सफर किया है कास्ट के नाम पे, वो आके बोल रहे हैं कि डिवाइडिंग फैक्टर बन रहा है. नहीं, ये कौन बोल रहे हैं जिनके पास रिप्रेजेंटेशन है, जिनके पास पावर है ये कहने का कि हमें तो ये संभाल के रखना है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम ऑथर्स भले ही है, लेकिन हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एग्जैक्टली, आई थिंक ये ही आर्ग्यूमेंट जब ट्रिपल तलाक डिबेट हो रहा था, आई डोंट थिंक कोई मुसलमान औरत ये कह रही थी कि ट्रिपल तलाक होना चाहिए. आई थिंक एवरीवन वाज कि हाँ, ट्रिपल तलाक को लॉ के विद इन फैमिली लॉ बदलना चाहिए, खुद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को खुद बंद करना चाहिए. बट फिर हम लोग किस डिबेट में फंस गए, हमारा क्लेम राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस लेके जा रहे हैं. अब ना हमें उनके साथ अलायंस करनी है, ना हमारे अंदर के जो हमें कहते हैं हमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम खुद मुसलमान औरतें वहाँ पर रिप्रेजेंटेड नहीं है, ना वो हमारी चीजें समझ रहे हैं, ना वो खुद में चेंज ला रहे हैं, ना बाहर से चेंज लाने में उनको दिक्कत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. आई थिंक दिस इज द सेम काइंड ऑफ आर्गुमेंट जो दलित मुसलमानों के साथ भी हो रहा है कि मतलब तुम बात मत करो उसके बारे में, यू नो. अभी हम लोग ऐसे ही इतनी प्रॉब्लम है, सर पे इतनी दिक्कत है, यहाँ पे मस्जिदें ढाई जा रही है, मतलब हमेशा ट्रिवियलाइज कर दिया जाता है. और जब तक हम लोग ये कॉन्वर्सेशन आपस में नहीं करेंगे कि देखिए हम मानते हैं कि बाहर से बहुत जुल्म हो रहा है, हम उनके खिलाफ भी खड़े होंगे, और जो हम पे जुल्म कर रहे हैं हमारे अंदर के लोग, हम उनके खिलाफ भी खड़े होंगे. आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने घर को ही दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर हमारी नींव, हमारी दीवारें कमजोर होंगी, तो घर जल्दी ढह जाएगा. और कहीं भी जब इनजस्टिस होता है, नाइंसाफी होती है, तो जिस इंसान
अमेरिकन को जो प्रिविलेज क्लास होती है तो अक्सर या तो उस चीज से उस चीज को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो उनको अफेक्ट नहीं कर रहा है, उनका जो सोसाइटी में अलग बबल होता है उन्होंने वो चीज कभी फेस नहीं करी होती। हम अपने घरों में ही बात कर सकते हैं, अगर हम मर्दों और औरतों की बात करें तो मर्दों ने वो चीज नहीं फेस करी होती, वो घर से निकलते हैं तो उन्हें नहीं सड़कों पे लोग कमेंट्स करते हैं या उन्हें नहीं अपने कपड़े देने पड़ते हैं या उन्हें नहीं रात को जल्दी आना पड़ता है, वो लाइफ और वो सोसाइटी उन्होंने फेस ही नहीं करी होती, तो उनको कहीं कई हद तक तो पता ही नहीं होता। और कई लोगों को जिनको पता होता है वो अपनी प्रिविलेज कायम रखने के लिए चीजों को अनदेखा करते हैं। तो हमें ये जरूरी है कि जो लोग कम से कम समझते हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हों, और क्योंकि दीन हमें यही सिखाता है कि अगर कुरान में देखें तो सूरह निसा की जो आयत 134 है उसमें यही कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों इंसाफ पर कायम रहो। तो जैसे हफ्सा ने कहा सबसे जरूरी है हम ये देखें कि कौन कह रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस पे जो मजलूम है अगर हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। तो इंसाफ आप अपने दीन पे जाइए, देखिए अल्लाह क्या कह रहा है आपसे कि ए ईमान वालों इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे उससे तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे रिश्तेदारों का नुकसान भी। तो हमें अगर अपने दीन पे चलना है, अगर हम दीन पे ही नहीं चलेंगे तो फिर हम कैसे अपना घर बचाएंगे, किसी को बचाएंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं टू विच क्लास, मतलब वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, जो हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं वो हम ज्यादातर उनके सरनेम से करते हैं। तो अगर हम लोग लोगों का मतलब लोग अपने सरनेम ऐसे ना रखें जो कि क्लियरली स्टेट कर रहे होते हैं सैयद पठान, अगर लोग ऐसे सरनेम्स ना रखें और वो अपने मतलब जो इस्लामिक तरीका है नाम रखने का कि अपने फादर का नाम लगाए, तो क्या आपको लगता है कि इस एक प्रैक्टिस से जो ये इनइक्वालिटीज हैं ये थोड़ी कम हो सकती हैं। और मेरा एक सेकेंड क्वेश्चन है कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो अभी किसी ने पूछा था कि हम अपने इश्यूज बाहर नहीं लेके जाते क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हम पर उंगली उठाएगा, तो जब हम बात करते हैं कि हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है लोगों को द मुस्लिम दलित्स, तो मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, अब आई डोंट नो अबाउट लॉ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पर्सनल बोर्ड के पास जो हमारा वक्फ बोर्ड है उसके पास जाना चाहिए कि देखिए इक्वालिटी के लिए कुछ करिए, या फिर हमें गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। थैंक यू। हो गया पहला पार्ट, आई फॉरगॉट पहला पार्ट। अच्छा सरनेम, ओके। तो सवाल किसने पूछा था? रमशा। हाँ रमशा, सो रमशा बहुत अच्छा सवाल है ये। और पहला आंसर ये कि हम अगर पहले एग्जांपल लेते हैं कुछ हिंदू जो दलित रहे जिनने लेटर अपने सरनेम ना चेंज किए, उसको संस्कृताइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, उन्हें अपकास्ट सरनेम्स अपनाए जब उनको थोड़ी सी क्लास मोबिलिटी मिली, जैसे सिंह आमतौर पर हम देखते हैं कुछ दलित फ्रेंड्स है मेरे उनका सिंह इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन जब उनकी शादियां होनी होती थी तो गोत्रा वोत्रा निकाल के उनके साथ पीढ़ियों तक पहुंच जाते थे। तो ऑन द फेस ऑफ इट आप नहीं कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन फेस, किसी को पता नहीं है ना अर्बन इसका क्या आइडिया है, अर्बन इसमें आप अपनी आइडेंटिटी कर सकते हो कंसील, यू कैन रेज योर चिल्ड्रन विद अ सर्टेन आइडिया, है ना, लेकिन एट द एंड ऑफ इट पीपल आर स्टिल डिगिंग योर आइडेंटिटी, है ना। तो हाँ अपना सरनेम चेंज करना ये एक बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी रही है, जैसे इवन कश्मीर में इसको सईदाइजेशन का प्रोसेस कहा, हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने सरनेम अपनाए एंड हाँ उसका असर हुआ, लेकिन देखो ना अगर मैं एक ऐसे मोहल्ले में रह रही हूँ जहाँ मेरे एंसेस्टर्स रहते हैं और उन्होंने गटर साफ किया उम्र भर और मैं भी गटर साफ कर रही हूँ, वहां मैं रहती हूँ सबको पता है मैं तब सरनेम कुछ और अपनाती हूँ, क्या इससे असर होगा? नहीं, मेरे सरनेम चेंज करने से असर कब होगा? जब मेरी क्लास मोबिलिटी पे असर होगा, जब मैं कुछ क्लास जो है वो उल्टा है, वो ये नहीं कह रहे कि अपर क्लास मोबिलिटी के लिए लोअर क्लास जो है वो उच्च क्लास का सरनेम ले रहे हैं, ये नहीं कह रही है, कह रही है अपर कास्ट जो है वो अपना सरनेम कंसील करे। हाँ एग्जैक्टली, सो आई वाज कमिंग टू दैट, द थिंग इज दैट हमारे एक टीचर ने हमें बताया था कि जब भी कोई अपना सरनेम नहीं बताए ना या अपना सरनेम नहीं रखे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो अपर कास्ट,
तो अपर कास्ट के पास है ये प्रिविलेज, लेकिन आप ये बोलो ना ऋषि हम लोग कास्ट के बारे में, कास्ट मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आउट देयर इन स्पेस है. इट्स नॉट जस्ट कि मेरा नाम है ABCD, है ना. इट्स नॉट जस्ट दैट, इट हैज अ लार्जर सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ना. मेरे रिसोर्सेज का एक्सेस जो है, मेरे एंसेस्टर्स, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप सब. तो अगर मैं कास्ट नाम यूज करूँ या कास्ट नाम नहीं यूज करूँ, ऐसा नहीं है ना कि मैं सडनली एग्जिस्ट कर रही हूँ स्पेस में या नहीं कर रही हूँ स्पेस में एग्जिस्ट. तो आप सैयद खान ये सब नहीं कर रहे हो यूज, वेरी वेल मत करो आप इस्तेमाल, आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन ये सब, आप यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम योर आइडेंटिटी, दैट्स द पॉइंट. इसीलिए अर्बन स्पेसेस जब हम माइग्रेट करते हैं ना, जैसे अगर मैं यहाँ से बॉम्बे रहने चली गई और मेरा अपना सरनेम कुछ भी अपर कास्ट अपना लूँ या जो भी है या नहीं रखूँ सरनेम, तो ठीक है तब हम लोग कर रहे हैं इंटरेक्ट ऑन अ डेली बेसिस एंड एवरीथिंग. आप शायद नजरअंदाज कर दो मेरी आइडेंटिटी क्या है, बट क्या इसकी एक प्रैग्मेटिक इम्प्लीकेशन है मेरी लाइफ में? क्या जब शादियां होती है तो तब हम ऐसे इनविजिबल हो जाएंगे सरनेम को लेके? सी दिस आर नॉट सिंपल येस एंड नो क्वेश्चन, ये नहीं है. मतलब हम प्रिंसिपली सोच सकते हैं कि मैं अपने बच्चे का नाम, उसमें कोई सरनेम नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट वो बच्चा थोड़ा आइसोलेशन में होगा, उसके भाई बहन है, रिश्तेदार है. How do you just escape that larger social network that you're born with? मुझे एक of course in principle अगर मुझे नहीं पता ये सही है कि, पर अगर हम बात ये कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दलितों को हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि हमें कोई ऐसा है जो बहुत ही कम एक्सेस है उनको पढ़ाई में, जॉब में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में. तो अगर हम इस तरह से ये समझेंगे अपना सरनेम हटा के, तब तो हम कहेंगे कि उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है. बट फर्क तो है कि मेरे माँ बाप जो है वो भी पढ़े लिखे थे, उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे थे, प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस ना, कल्चरल कैपिटल है और उनके पास नहीं है, तो उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. और जब हम अपना सरनेम हटा दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं आप और हमको तो मतलब बराबर ही है, आपको भी कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए आपका, बल्कि चीजें कम मिली है. तो ये रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है और हमको कुछ प्रिविलेज मिला है. और जब हम अपना नाम हटा देंगे तो फिर हम तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना प्रिविलेज छुपा रहे हैं. पता नहीं ये क्या तुम्हें लग रहा है इसे? बट हिस्टोरिकली रमचा ये प्रोसेस रही है, सैनिटाइजेशन इसको कहा जाता था, जब मुसलमान अपना कास्ट सरनेम निकालते इस्तेमाल करते थे या फिर मतलब कास्ट आइडेंटिटी अगर कोई कंसील कर रहा है. और इन केस ऑफ लोअर कास्ट उसको संस्कृताइजेशन कहा जाता था. अब जितना मैंने देखा है, लाइक मैं एक बहुत छोटी एग्जांपल दूंगी, कश्मीर की दूंगी, क्योंकि आई एम मोर क्लोज टू दिस अंडरस्टैंडिंग हियर, कि दिस इज लार्जर मोर इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग फॉर मी. तो जैसे मैं जब सर्वे कर रही थी अपना MPO के दौरान, तो बहुत फनी भी था ये मेरे लिए, मतलब मैं बहुत हंसती थी इसके बाद, क्योंकि मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं ना या जो हमारी जनरेशन है, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन, उनसे कुछ पूछती जैसे वो घर कौन है, उसकी कास्ट के बारे में बताओ. तीन जनरेशन से भी अगर उन्हें अपना कास्ट नाम चेंज किया होता ना, तीन जनरेशन, एंड आई एम नॉट किडिंग, ये मुझे कितने केसेस मिले, मतलब अगर मैंने 100 केसेस से बात की होगी, 60 केसेस में वो बोलते थे कि देखो तीसरी तीन जनरेशन हो गए इनको ये सरनेम यूज करते हुए, बट असल में ये वो है. और That is the magnitude of caste in our heads. कर लिया मैंने चेंज, छपा लिया, बट तब भी वो मेरा शजरे नस्ल निकाल देते हैं यार, 7 पीढ़ियों तक चले जाते थे. और मुझे सरप्राइजिंग लगता था कि ये लोग मतलब they are not literate people ना, तब भी you should just listen to, you know, talk around your family, talk to the people around you. आप उनसे बात करो कभी कि उसकी जात क्या है, उसके बाप की जात क्या है. You will be surprised कि गोत्रा ये सब तो हिंदूज में है ही है, मुसलमान भी कुछ कम नहीं है, हम कहाँ कहाँ से क्या नेटवर्क निकाल देते हैं. सो मैंने नहीं देखा कभी कुछ असर तुम अपना कास्ट नाम छुपा रहे हो, जितना मैंने अपनी लाइफ में देखा. ऑफकोर्स मैं एब्सोल्यूट नहीं हो सकती इन थियोरी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट इट. और आपका दूसरा, आई एम सॉरी सानिया, दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा, रमशा आपका दूसरा सवाल. जी मेरा दूसरा सवाल ये था, आपका दूसरा सवाल जो था, तो इसमें ये है ना कि जब हम कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी सोशो कल्चरल आइडेंटिटी है, अगर मैं डिप्राइव्ड हूँ, मतलब जब मैं एक दलित मुसलमान हूँ, तो मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे ट्रांसलेट हो रही है, मुझे एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है. तो क्या जब मैं अपने मुसलमान बरादरी, इफ यू कॉल इट दैट, जब मैं अपनी क्लर्जी, जो हमारी मुस्लिम क्लर्जी है, जो यूजुअली अपर कास्ट होती है, सैयद खान पठान से सब,
उनसे मुझे, मैं उनके पास जाती हूँ, क्या वो मुझे एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज दे सकते हैं, एक्सेस, क्या वो मुझे एजुकेशन दे सकते हैं? हाँ, वो लोगों को बता सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, जैसे नवीना जी ने कहा कि देखो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, छूत अछूत है, कमेंसियलिटी है, तुम स्टूडेंट्स को अलग बिठा रहे हो क्लास में, तुम लोग ये जो वायलेंट तरीके से शादियां करते हो, डिप्राइव करते हो लोगों को, ये सब एक कल्चरल लेवल पे मैं समझा सकती हूँ, लेकिन एक सियासी इंटरवेंशन जरूरी है ना, मुझे रिजर्वेशन चाहिए, मुझे अफर्मेटिव एक्शन चाहिए, तो ये एक ओवरऑल चीज है जिससे कॉन्ट्रीब्यूशन हमें हर सेक्टर से चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक रिलीजियस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हम एनरिच करें, है ना, आपस में, कि नहीं इस्लाम में जात नहीं है, हम छूत अछूत नहीं कर सकते, हम स्कूल में इनको अलग नहीं बिठा सकते, इनको एम्प्लॉयमेंट में हम अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी हमें, बट वो ट्रांसलेट होंगी ना फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. सो दैट इज वेयर यू रीड अफर्मेटिव एक्शन, दैट इज वेयर यू नीड योर नेम, है ना. तो ये ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है, बस एक ही साइड से नहीं आ सकता. आई होप आई वाज क्लियर. Yes, you're clear. Thank you so much. पहले ही पता चला कि मुस्लिम्स में कास्ट एग्जिस्ट करते हैं कुछ 3-4 महीने पहले, तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा उस पे, तो कुछ लोगों ने मतलब बहुत क्रिटिसाइज किया आर्टिकल लिखने के वजह से. तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा सिचुएशन है कंट्री का, बीजेपी मुसलमानों के पीछे पड़ी है और ये अभी सही वक्त नहीं है बात करने का, तो ये भी हुआ. और फिर उसके बाद वो लोग कहने लगे कि मतलब कि इस्लाम में सेम जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट यूज किया जाता है हमेशा, कुरान को हमेशा ढाल बना लिया जाता है, तो कि कास्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर हम अच्छे मुसलमान बनेंगे तो कास्ट सिस्टम मुस्लिम्स में से हट जाएगा. तो मतलब आपके हिसाब से क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये काफी एक शॉर्ट, यू नो, लाइक बहुत आसान तरीका है अपने आप को पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब हाथ धो देने का? हाँ, कि आप कह रही सीधा कि मतलब आप अच्छे मुसलमान बन जाइए तो आपका कास्ट सिस्टम भी नहीं रहेगा, अगर आप अच्छे मुसलमान बनेंगे तो आप औरतों पर भी जुल्म नहीं करेंगे, तो और ऐसे भी हम लोग को आप जानते हैं कि द काइंड ऑफ यू नो लाइक द रेजिस्टेंस दैट वी गेट फ्रॉम आवर ओन सोसाइटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म और एनीथिंग. अब कास्टिज्म के भी बारे में बात करें तो सेम प्रॉब्लम है कि उन लोग कहेंगे कि अभी बात नहीं है, तो इसका सलूशन क्या है कि क्या करना चाहिए? नाज़रीन, सलूशन ये तो डेफिनेटली है कि बात करना छोड़ना नहीं है. वही दूसरा ये कि जो हमने बात, जिसने ये सवाल पूछा था ना, एग्जैक्टली कि बोल कौन रहा है. हाँ, वो तो है, वो तो समझ आएगा, बट वही है ना कि कोई बात ही नहीं करना चाहता है. अब जैसे ही बात उठाएंगे वही दबा दिया जाएगा. हाँ हाँ, बिल्कुल. आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, जैसे जब भी आप बात करते हो आप उनको पूछते हो कि क्या कास्ट एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है एग्जिस्ट, क्या आप मानते हैं कास्ट में? हम नहीं मानते, हम मुसलमान हैं, ठीक है, ये सब आप सुनेंगे, लेकिन मे भी आप छूत अछूत नहीं कर रहे हो, आप जो दलित मुसलमान है उनको मानते हो कि हमारी बराबरी की है, जो भी है सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब आपको शादी करनी होती है तो तब आप इतना स्ट्रिक्टली एंडोगेमस क्यों हो जाते हैं? मतलब आप पाल रहे हो ना इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी हिसाब से, क्या आप कॉमन सैलरी प्रैक्टिस करते हो, क्या आप लोग बर्तन से शेयर कर रहे हो, मस्जिद शेयर कर रहे हो, बिरल ग्राउंड शेयर कर रहे हो, सबका हाँ भले ही जवाब दे दे, लेकिन जब एंडोकमी होती है, जब आपको शादी करनी होती है, तब आपका सारा ये क्यों जाग जाता है कास्ट, कि भाई मुझे तो बेटा इसी घर में ब्याहना है या बेटी को इसी घर में भेजना है, बाय. दैट इज वन थिंग ना, हम एक्नॉलेज नहीं करते. एंड वो था जो ज़ोया हसन का पॉइंट था ना, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस, इसकी मौजूदगी को एक्नॉलेज करना सबसे बड़ी बात है अपने आप में. एंड ऑब्वियसली, हाँ सानिया बोलो बोलो बोलो. जब हम शादी के बारे में बात करते हैं, जैसे तुमने कहा, तो हम लोग हमेशा देखते हैं, तो पर यहाँ पे हनफी मसलक में, क्योंकि हर जगह जैसे मालिकी मसलक है या दूसरे जो चार स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं उसमें मालिकी में हम लोग देखते हैं, जो इंडिया का नहीं है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लियरली वो लोग कहते हैं जो ये कुफू या कफा एक वो लोग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि तुमको अपने जैसे में शादी, तुमको किससे शादी करना चाहिए कंपैटिबिलिटी में. तो मालिकी में देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें एक चीज देखनी है, तकवा, किसका तकवा ज्यादा अच्छा है. बट यही कंसेप्ट जब हम हनफी में देखते हैं या among different sects देखते हैं, तो यहाँ पे इंडियन सब इंडिया में बिल्कुल अलग ही उसका इंटरप्रिटेशन है. वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लम की कोई हदीस है कि अपनी बिरादरी में करनी चाहिए और उसको वो कास्ट से लिंक कर देते हैं. और फिर एक्चुअली एक किताब भी है, फतवा भी है. हाँ,
जो लोगों को किसी ने बताया मुझे कि बेइज्जती से पहले लिखा हुआ बाकायदा बिल्कुल बिल्कुल किसी से शादी नहीं करनी, शादी सैयद से होनी चाहिए, जुलाहा की शादी जुलाहा से होनी चाहिए। और ये मतलब जैसे बेइज्जती जेवर की बात नहीं है, बुक्स आफ्टर बुक्स आफ्टर बुक्स, फतवे की किताब, चाहे वो अहमद रजा बरेलवी साहब की हो या शाह वली उल्लाह की हो या जिनको हम लोग मॉडर्न भी समझते हैं जैसे एएमयू के फाउंडर सर सैयद की हो, तो हम लोग देखते हैं कि वो बार बार इस चीज को री इन्फोर्स कर रहे हैं कि जुलाहा जो है उसकी शादी जुलाहा में होनी चाहिए, उनको यही काम करने चाहिए। और कहीं ना कहीं उसको रिलीजियस सैंक्शन इंडिया में फतवा के थ्रू मिल गया है, और इतना हद तक मिल गया है कि आज अगर देवबंद के उसमें आपको एडमिशन लेना होता है उस फॉर्म में आपको अपना कास्ट डिक्लेयर करना होता है। ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये सबसे, है ना, इतना सिंपल नहीं रहता फिर कि अरे कुरान में तो नहीं है, तो इस पे क्या हफ्सा कर सकते हैं हम लोग। सानिया जो तुमने कहा आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू एक्सप्लेन कि कास्ट सिस्टम हमारे डिनायल के बरखस भी कैसे चलता है, और ऑफ कोर्स एंडोगमी सबसे वेहमेंट एग्जांपल और सबसे एक्सप्लिसिट एग्जांपल। और जो तुमने कहा कि हमारे जो कुछ मौलाना रहे बहुत फेमस जिनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रहा है टू इंडियन सोसाइटी टू इंडियन मुस्लिम्स, उनके भी हम रिग्रेसिव व्यूज देखते हैं व्हेन इट कम्स टू कास्ट। तो ये वो टिपिकल ब्राह्मणिकल नोशन हो जाता है ना वो ऑक्यूपेशनल हेरिडिटरी का कि तुम चमार पैदा हुए हो तुम चमार ही रहो, चमारों में ही शादी करो, तुम सईद पैदा हुए हो सईद रहो सईदों में शादी करो। तो ये रिग्रेसिव नोशन है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने माँ बाप को तो नहीं समझा सकते बट उम्मीद है कि हम लोग वैसे रिग्रेसिव नहीं हैं। नहीं बट फिर जैसे अगर माँ बाप से या ऐसे बात करते हैं इस टॉपिक पे तो वो लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारी शादी हो भी जाएगी तो तुम्हें मुश्किल होगी, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी, या कहते हैं कि ये तो तुम्हारी बेहतरी के लिए हम लोग कर रहे हैं। हाँ देखो अभी यहाँ कोई स्टूडेंट से सवाल पूछा था वो साइकोलॉजिस्ट, तो उसी पे मुझे याद आया सानिया जो तुमने पॉइंट कहा। तो जब मैं फील्ड वर्क कर रही थी मैं ये सो कॉल्ड लो कास्ट मुस्लिम जो है या दलित मुसलमान उनसे मैंने पूछा कि आप लोग शादी कैसे करते हो, तो उनने कहा हम स्ट्रिक्टली एंडोगमस हैं, हम नहीं करते कहीं बाहर शादी, हम बस अपने लो कास्ट में शादी करते। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट जब हम कास्ट के बारे में बात करते हैं ना, जब हम एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को गंदा मानते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को नापाक मानते हैं, उनका आइडिया खुद के बारे में कैसा है, वो खुद को कैसे देखते हैं। और उसमें ये था कि इंटरनलाइज्ड नोशंस जो है ना उनको अपने बारे में प्योरिटी पोल्यूशन के दे स्ट्रक मी, तो मोस्ट ऑफ देम उनने मुझे बहुत आराम से कह दिया कि हम लोग गठिया माने जाते हैं ना, हम लोग गंदे हैं, हमें कौन रहना चाहिए। This is how violent the caste system is. It's not only कि तुम किसी एक caste group को deprive कर रहे हो material opportunities को, तुम उनके साथ emotionally क्या कर रहे हो, तुम जब किसी को untouchable कहते हो, तुम जब किसी को नापाक कहते हो, what are you doing to them? उनके वो खुद कैसे खुद को perceive करने लगते, तुम खुद खुद को कैसे देखने लग जाते हो, ये भी बहुत important notion रह जाता है जब हम ये चीज समझते हैं। तो ये सब emotions जब कास्ट ग्रुप्स में ऐसे क्लस्टर्स की तरह बनते हैं ना, उसमें एंडोगमी पे सोल्यूशन लगता है कि बस ये इकलौता तरीका जिससे हम सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, वो हमारी कास्ट ग्रुप की प्योरिटी हो, वो हमारी लीनियज और नस्ल की प्योरिटी हो, या हमारा तरीका हमारी औरतों को प्रोटेक्ट करने का, दैट इज द होल आइडिया ऑफ एंडोगमी ना, कि नस्ल प्रोटेक्ट कैसे हो, हमारा प्योरिटी ऑफ ब्लड मेंटेन कैसे, हफ्ता मैम आई फील कि ये एक ब्राह्मणवादी सोच, मतलब जैसे कि अगर एक इंसान जो मान लीजिए मिडिल कास्ट है, अगर वो इकोनॉमिकली तो वो जब अपर क्लास इकोनॉमिक पोजीशन के पास आसपास आ जाता है, वो अपने नीचे वाले को डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये ना मतलब ये साइकोलॉजिकल एक चीज है जो मतलब इंसान के अंदर आ जाती है, इसको कैसे मतलब ये सेम चीज आप अप्लाई करिए जैसे अभी अंसारी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है,
कि क्योंकि सिंस अभी उन लोग इकोनॉमिकली बेहतर हुए हैं तो उन लोग के अंदर एक अलग टाइप का सोच है उनके नीचे वाले लोग के लिए, तो ये एकदम से हम तो सीधा ब्लेम ब्राह्मण वाद पे डालेंगे, ये जो एटीट्यूड है बिल्कुल। हाँ नाज़रीन, जैसा कि मैंने स्टार्ट ही किया था ये डिस्कशन इस चीज के साथ ना कि हुमा हसन का भी आइडिया या ये फैक्चुअली स्टेट हुआ जाता है कि कास्ट आता कहाँ से मुसलमानों में, सब कॉन्टिनेंट में है ना कास्ट, ऐसा नहीं कि बाकी मुस्लिम्स की कोई हायरार्की नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में कैसे कास्ट दिखती है, एंड इट इज एन इंटरेक्शन विद ब्राह्मणिज्म, तो हमारा ब्राह्मणिकल कल्चर के साथ जो इंटरेक्शन है ना, क्योंकि कितना एम्बेडेड है ना आइडिया ऑफ प्योर इम्प्योर, पाकीज़ा है ये नहीं है, ये पाक है ये ना पाक है, ब्राह्मणिज्म से आता है ना, तो दैट आई एग्री विद। और फिर आप लोगों को कैसे कॉन्विंस करें कि मतलब ये सारे टर्म्स नहीं यूज, मतलब ये सारे टर्म्स डोम चमार भांगी, क्योंकि ये इतना मतलब क्योंकि ये इतना बेसिक हो गया है कि लोग मानने को तैयार नहीं, और जैसे आप बोले हैं कि आप ये मतलब यूज मत करके आप किसी के कम्युनिटी को लेकर कैसे एक गाली बना सकते हैं, तो वो लोग कहेंगे कि वो लोग हम लोग सोचते नहीं है ये अब चलता रहा है, हम लोग स्ट्रक्चर के प्रोडक्ट है तो हम लोग भी वही करेंगे, तो इसको काउंटर कैसे किया जाए, काउंटर कैसे किया जाए, हम लोग एक्सक्यूजेस हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो गाली भी देते हैं औरतों वाली, फिर हम बोलते हैं आप औरतों दो आदमियों में झगड़ा हो रहा है आप औरतों की गाली क्यों दे रहे हो भाई एक दूसरे को, तो वही बोलते हैं ये आदत है हमारी, तो ये ऐसे लोग हैं जो इतना कंफर्टेबल हो गए अपने पोजीशन में ताकि ये रीथिंक नहीं करना चाह रहे हैं कि हम लोग चाहे वो कास्ट क्वेश्चन हो चाहे वो विमेन्स क्वेश्चन हो चाहे वो क्वेश्चन हो कि आज तक हम लोग को क्या पढ़ाया गया है, क्या चीज को नॉर्मल बताया गया है, क्या चीज को सही नहीं, ये सब रीथिंक करने के लिए भी आपको एक ऐसे पोजिशन में होना होगा जहाँ पे आपको लगे जैसे हम विमेन है तो हम समझ पा रहे हैं क्योंकि हमें अलग तरह से भी जुल्म हो रहा है, वी आर अ माइनॉरिटी विद इन अ माइनॉरिटी, अब जो लोग एकदम मेल भी हैं अपर कास्ट भी हैं उन्हें कोई बात का टेंशन ही नहीं है, वो कोई चीज है उनको लाइफ में प्रोवोक ही नहीं कर रही है अपने प्रिविलेज को क्वेश्चन करने के लिए, आई थिंक ये यही लोग हैं जो कास्ट क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, वो विमेन क्वेश्चन को भी यही बात से इग्नोर करते हैं, यही कह के। एक्चुअली आपको क्या लगता है कि हम लोग की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग में ना एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, अगर आप किसी के घर पे जाके बैठेगा चाय पे बात करने में, सिर्फ औरतों की नहीं ये बात मतलब शब्दों में भी देखा है मैंने कि उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि अगल बगल क्या हो रहा है, प्रिविलेज पोजिशन में अगर उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है तो बस उतना ही ठीक है, वो एम्पैथी बहुत कम लोगों के अंदर, कोई बैठ के बात ही नहीं करना चाहता है पॉलिटिक्स के बारे में, सीधा बोलेगा क्या जरूरत है ये सब बारे में बात करना, आप अच्छे मुसलमान बनिए उतना ही काफी। अच्छा अभी हम लोग के पास टाइम कम है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रोफेसर ने प्राइवेटली ये मैसेज भेजा है, हम जानना चाहते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है हफ्सा से, उसने लिखा है हम जानना चाहते हैं कि जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्री में देखें कि हिंदू सोसाइटीज में जैसे डोमिनेशन और वायलेंस यूज किया जाता है सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, क्या वो हम मुस्लिम सोसाइटीज में देखते हैं, क्या वो इतना ही हार्श है, ये सवाल हफ्सा से पूछे। जितना मैंने इस पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ढूंढा खुद भी क्योंकि मैं भी टूरिस्ट थी, उतना वायलेंट नहीं है इस एक्सप्रेशन, जैसे ये मर्डर्स हो रहे हैं या कम्प्लीटली गांव के गांव जलाए जा रहे हैं या फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ रेप हो रहे हैं दलित और अमंग मुस्लिम्स, द एक्सप्रेशन इज नॉट एज वायलेंट, डेफिनेटली इट्स नॉट कम्प्लीटली एब्सेंट क्योंकि इतना पैन इंडिया तो हर गांव हर शहर का तो नहीं वी वुड नो क्योंकि डेटा नहीं है, दूसरा रिपोर्ट नहीं होता है, बट जितना थोड़ा बहुत डेटा है एक्सप्रेशन इतना वायलेंट नहीं है। हां लेकिन जितना वायलेंट जैसे हम सुनते हैं यूना में जो हुआ कि जला दिया गया या हाथ काट दिए गए पानी पीने की वजह से, ये सब हम लोग नहीं सुनते, हमारा थोड़ा और सटल है, कोई कोई चीजों में टिक कर आता है बिल्कुल सामने, जैसे शादी के मामला हो या मस्जिद अलग है, रेजिडेंशियल स्पेस अलग है, यहाँ पे कोई लोग हैं जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे मस्जिद अलग है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये रूरल एरियाज में होता है, अगर आपके आसपास लेकिन एक स्टोरी मुझे याद आई, मैं एक टाइम झारखंड मतलब एक साल पहले झारखंड में काम कर रही थी, चतरा एक इलाका है
तो वहां मुझे एक मुसलमान मिले एंड वो बीजेपी के साथ काम करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब नक्सलिज्म या माओवाद स्टार्ट हुआ था ना उस इलाके में, जब बिहार झारखंड एक था, तो ये हुआ था कि जो निचले वर्ग के मुसलमान और जो निचले वर्ग के हिंदू है ना, वो साथ में आ रहे थे जमींदारों के खिलाफ आ रहे थे वो। और उसमें जमींदार कौन थे? जो हिंदू जमींदार होते हैं और जो सैयद और पठान जमींदार थे। तो वो किन के खिलाफ? तो जो उनके खिलाफ थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे, जो दलित मुसलमान थे और जो हिंदू दलित थे, और जो मतलब जमींदारों से अपना हक मान रहे थे। तो उस जो इन सईदों की, पठानों की और ये अपर कास्ट हिंदूज का जो ऑर्गेनाइजेशन बना था ना, इसको सनलाइट सेना नाम रखा था। आई डोंट नो इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं है, ये मुझे फील्ड वर्क से स्टोरी पता चली। तो वो वायलेंस कर रहे थे क्योंकि वो उनसे हक मांग रहे थे। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट था, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसा बन गया था। ऑफकोर्स कास्ट डायनामिक इंटैक्ट, मगर वो वैसा टाइप हो गया था ना कि ये नक्सलवादी बन रहे हैं, हमसे हक मांग रहे हैं हमारा जमीन का, और वो बंदूकों का इस्तेमाल करके वायलेंस स्टार्ट कर चुके थे। बट ऐसे आइसोलेटेड इवेंट्स ना कि ये दलित मुसलमान है या अपर कास्ट मुस्लिम है, इस दलित मुसलमान को कुछ अपवर्ड मोबिलिटी मिली या घोड़े पे चढ़ा या घर बनाया बाइक लाई तो उसका मर्डर हो रहा है, उसको लिंच कर रहे हैं, ये इंसिडेंट अभी तक हमारे सामने तो नहीं आया है। बाकी खुदा ना खास्ता अगर अनरिपोर्टेड है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, आई कैन नॉट से। टेकअवे क्या है इस डिस्कशन का कि हम अपने अंदर बहुत अनकॉन्शियसली भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं प्रैक्टिसेस, उन पे वर्क करें, उन पे सोच कर सोचें, फैमिली से कॉन्वर्सेशन करें और जो फतवाज हैं उनसे भी इंगेज करें कि क्या फतवाज हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये तो एक इंजामी तौर पे बात हो गई कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए और फतवा जो है जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे एंगेज करना चाहिए जो हमारी कई सारी परेशानियां हैं उनके मुतालिक। अच्छा, जैसे हम लोग जो अटेंड कर रहे हैं या जो लोग ये सुनेंगे, हम अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम अपने घरों में क्या बदलाव ला सकते हैं? मतलब शुरुआत तो हम खुद से ही करते हैं, तो जैसे हम, मैं चाह रही थी कि सब लोग जो अपने आसपास देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन, उस पर हम लोग अगर बात करें कि हम अपने लेवल पे क्या क्या चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि बर्तन अलग हैं, सबसे पहले वो ख़त्म करें, या अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर कोई आता है तो खुद से ज़मीन पर बैठ जाते हैं, तो उनको कम से कम सोफे पर बिठाएं अपने, उनको उनकी आदत हो जाती है कि वो खुद से आके आपके साथ नहीं बैठते। कई कई लोग ऐसा होता है, अक्सर होता है। या फिर एक ये बहुत एक ये टेस्ट होता है कि अगर आप किसी को घर पे, क्या उनको दावत पे बुलाते हैं या उनको अपने साथ खाना खिलाते हैं, और अगर खाना खिलाते हैं तो किस तरह का खाना खिलाते हैं, बचा हुआ खिलाते हैं या उनको अगर दावत देते हैं तो क्या चार चीज़ें बनाते हैं कि एक ही चीज़ बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अपने घर पे हम बदल सकते हैं, शायद अपने वालदेन को नहीं बदल सकते, तो अपने घर में इंशाल्लाह आगे अपने बच्चों को बदल सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या आइडियाज और क्या क्या राय हैं, क्या क्या बदल सकते हैं? स्पेशली अभी तक जो थोड़ा भी नहीं बोले हैं, आई थिंक दिस इज द टाइम, आप ओवरऑल फीडबैक भी दे सकते हैं आगे क्या इस तरह के सेशन। हाँ, एक एक ऐसे कोई, हाँ, जो हम अपने तौर पे क्या क्या। नफीसा बोल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा सेशन, स्पेशली सना और हफ्सा जो हम लोग के साथ शेयर की, थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी एनलाइटनिंग। तो हम ये बोल रहे थे कि पर्सनल लेवल में हम लोग और प्रोएक्टिव हो सकते हैं, और हम एक सागर कम्युनिटी में मतलब बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे एक ट्रेंड है कि मतलब 16 साल में लड़कियों के लिए रिश्ता देखा जाता है, और 18 साल जैसे वो लोग 18 बनते हैं तो उन लोग का शादी हो जाता है, और बॉयज जो है वो उस्तागर मतलब टेलर होता है, यहाँ का प्रोफेशन है मतलब ऑक्यूपेशन है, वो बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं और लड़कियों का शादी हो जाती है। ये बहुत फिक्स्ड है, तो हमको हायर एजुकेशन लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो हम लोग ये पर्सनल लेवल में कर सकते हैं कि हम लोग जब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर ले कि हम लोग को मतलब अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेगी, और ये इतना इजी नहीं होगा, लेकिन वी हैव टू कंटिन्यू, हम लोग को परसिस्ट करना है और आवाज उठाना है इस लेवल में, डिस्कशंस लाने हैं, लोग को अनकंफर्टेबल फील कराना है थोड़ा बहुत, और खुद भी
मतलब मजबूत रहना है, बस यही था। हम ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे 26 लोग जुड़े हुए, उसका मतलब है 26 फैमिली से आए हैं, तो इसमें से कौन लोग हैं जिन्होंने महसूस किया है कि उनके घर में इस तरह का फर्क होता है? हम लोग के बर्तन अलग रखते हैं, मतलब ये कास्ट की वजह से शायद नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग के घर में काम करते हैं उन लोग के लिए बर्तन अलग रखा जाता है, तो ये चीज अभी बंद हो गई है, लेकिन पहले ये चीज होती थी हम लोग के घर में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शगुफ्ता शाहीन है, ये हम अपनी फैमिली में कभी महसूस नहीं किया है, लेकिन हम सुना है, कम्युनिटी में सुना है, लेकिन हम अपनी फैमिली में जिस घर में हम रहते हैं वहां पर ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि हम लोग शेख हैं, मेरे घर में और भी शादी हुई है, तो ऐसा नहीं है शेख लोग पठान से हुई है, और भी मतलब अलग अलग जात से मेरी भाभी लोग और चच्ची लोग आए हैं, तो हम ऐसा कुछ फर्क महसूस नहीं किया, लेकिन हम इसके बारे में सुनना है और हम जानते हैं, बस यही बोलना था। जज़ाकअल्लाह शेयर करने के लिए। अक्सर क्या होता है कि क्योंकि इतना हो मतलब फिक्स नहीं है ना, तो जो जिनको अपर कास्ट माना जाता है जैसे शेख सैयद पठान खान, इन लोग तो फिर भी आपस में कर लेते हैं, लेकिन उसके नीचे भी एक लेवल है जिसका हम लोग टच में ही नहीं आते हैं, उनसे होता ही नहीं है, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अलग ही एकदम सोसाइटी है, अलग रहते हैं, कभी ताल्लुक भी नहीं होता है, ये भी रीजन हो सकता है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है जहाँ पे जान बूझ के हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं ना जैसे ब्राह्मण्स का स्क्रिप्चर्स है, वो लोग जान बूझ के इस हिसाब से देख रहे हैं, पर अगर हम लोग मुसलमानों में देखा जाए तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या कोई जान बूझ के कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बन गया है, क्या होता चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट कॉन्शियसली समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चीज में हम लोग का हाथ है।